एक्सपीरियंस बहुत किस तरह फायदा चला। मिला तो आप लोग भी अपने पास ये मेमोरीज बनाए, और मिला अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। मतलब अब देश क्या है अभी डिस्कस करेंगे, तो देश से परेशान ना हो, ठीक है? देश की कहानी क्या है अभी हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए नजर आ रहे हैं 8,000 पे, 8,000 पे मैं डिटेल पे लेके जा रहा हूँ गूगल पे। तो एज और एज कि भाई ए मेरा पूरी वैल्यू आए वो मेरी एज की वैल्यू हो। अब हमने क्या किया, एक अच्छा अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है सर अमीन ने। सर अमीन ने सिर्फ रिपोजिटरी पुल की है, उसके बाद वही जो हमने लास्ट टाइम किया था कि वो मैसेजिंग का फोल्डर बाहर निकाला था, उसको अपना नाम दिया था, और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर कंपोज अप की कमांड एक चलाई है, एक डॉक्टर कंपोज कॉन्फिक की कमांड चलाई है, और अभी वो डॉक्टर कंपोज लॉग की कमांड चला रहे हैं। कॉन्फिक की फाइल हमें ये बता देती है कि अगर उस कंपोज की फाइल में कोई मसला तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अप की फाइल जो है वो तमाम डॉकर के जो माइक्रो सर्विसेज हैं जो डॉकर कंपोज की फाइल में डिफाइंड है उन सबको अप कर देती है, और जो लॉग्स हैं वो ऑफ कोर्स एज नेम सजेस्ट के आपने लॉग्स लिखकर उसके आगे जिस एप्लीकेशन का जिस माइक्रो सर्विस का नाम लिखेंगे उस सर्विस के लॉग्स आ जाएंगे। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं जो API सर्विस थी उस डॉकर कंपोज की फाइल में, सिर्फ उस फाइल कहते हैं माइक्रो सर्विस के हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं। अभी के लिए उनको फॉलो करते चले जाएं, देखें वो क्या कर रहे हैं। जब इन्होंने सारी जितने भी जब भी इन्होंने रॉकेट कंपोज अप चलाई थी तो उस वक्त कोई 5 सर्विसेज थी जो कि अप हुई थी, और वो सारी टेम्पलेट 01 की हेडिंग के अंडर थी। तो ये उन्हीं को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, खाली कंटेनर्स में जा रहे हैं, वहाँ पर आगे पोर्ट्स में पोर्ट्स को चेक कर रहे हैं, वहीं पे डॉकर डेस्कटॉप जो है उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी जो अमीन भाई बैठे हुए हैं वो गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, उनको खुद आवाज़ नहीं आ रही है हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और वो जब माइक खोलते हैं तो उनका शोर इतना आता है कि हमें समझ में नहीं आता, तो बड़ी परेशानी है ये बीच में। लास्ट जो फ्राइडे जी रिकॉर्ड किया था उसी से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, लास्ट फ्राइडे में हमने किया ये था कि मेरे हमने पास सिर्फ वही कॉपी प्रॉब्लम पेस्ट आई है किया था। जिसका डर था, क्लास से ये बना मेरे है पास प्रॉब्लम क्या आई है एज कि की कहानी मेरे क्या पास है, एक पुरानी इमेज मेरा उठ के आ गई है, एज और उसके लॉग्स में जब मैंने उसको मैंने पकड़ा है कि प्रोजेक्ट बनाया तो इसने कहा ये तो 8085 अभी पे आ चल रही है, गई और थी मेरे पास तो 8085 का कोई मैं तस्वीर ही नहीं हो रहा है। और तो ये मेरी कैसे एज गलती हुई कि जब मैंने यहाँ पर इसको चलाया मिक्स तो कर दिया, चलाते वक्त मैंने इसके अंदर मिक्स इसको करके माइनस इसके माइनस बिल्ड नहीं करा, तो वो पुरानी टेम्पलेट कोई अंदर इमेजेस हमने मेरे पेस्ट पास करा उठ के आ गई। दी। मैं दोबारा से बिल्ड करके दोबारा चला रहा हूँ, इसका क्या फायदा आप लोगों है, के पास भी एरर आ हम सकता है। अलग से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ना, हम अलग से ऑब्जेक्ट बना देते, क्लास बनाने का क्या फायदा? अब इसका फायदा ये हुआ, अब देखिए मैंने जैसे मैंने इसको माइनस माइनस टेम्पलेट बिल्ड दिया, चलाया ना, तो ये सिर्फ कंटेनर में कुछ चेंजेस हैं, देखें ये स्टार्ट हुआ एक्स2 है, हो गया, तो इसका मतलब है कि H2, इसमें कुछ चेंजेस कुछ थे, क्या इसने दोबारा किया इसको रन करा हमारे है। हजरत साहब आके रतन साहब जिसकी उम्र का अभी तक मशहूर है, आजकल और इसकी अब देखें उम्र मेरे तीस पास ये है, 8,000 पे आ रही है, इसका मतलब कोई स्कूल में गलती ग्रेजुएट हमारे से हुए हो गई, साल का लड़का पुरानी गलती मिला थी यही थी, सिर्फ हमने जीएस माइनस ग्रुप माइनस का बिल्ड नहीं बना लगाया था, 40 अब मैंने दो लगाया तो पुराना कुछ था तो चले दो गया। बन गए। इसी तरह इस इंस्टेंस से
इस क्लास से आप लोग जितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहें बना सकते हैं और सबका स्टैंडर्ड तरीका बन गया। अब कोई भी स्पेलिंग अपने हिसाब से लिख ही नहीं सकता कि नेम फुल नेम, किसी का एन बड़ा किसी का एन छोटा, तो ये एक सर 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 अमीन, आप टैब कंटेनर जो आप खोलते हैं उस पे वीएस कोड पे, वो आप बता सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले का हमारा क्या था कि बिल्ड बना के कंटेनर चलाना, वो हमने चला लिया है। और मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि माइनस माइनस बिल्ड लगा देना। समटाइम ये होता है पहले से कोई इमेज बनी होती है सेम नाम से बोर्ड के आ जाती है। मेरे केस में सेम चीज हुई, पहले से एक इमेज बनी हुई थी बोर्ड के आ गई। जैसे मैंने माइनस माइनस बिल्ड लगाया और मैंने पकड़ा, कैसे मैंने लॉक्स में जाके पकड़ा कि ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने माइनस माइनस बिल्ड लगाया तो मैंने ये देखा कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, क्योंकि कोई और, जाहिर सी बात है ना, मेरी अब इमेज ही नहीं थी, वो किसी और की इमेज यूज हो रही थी। मैंने सेम नाम से बनाई होगी, इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं। अब यहाँ पर जब मैंने बनाया तो मैंने गूगल पे आकर 8000 को, 127001 8000 को हिट करा। जब मैंने उसको हिट करा तो मेरे पास उसका हिट आ गया। फिर मैंने उसकी डॉग भी चेक कर ली, डॉग के साथ मैंने उसको जब डॉग कैसे चेक करी, ऐसे देख लें, इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले मैंने 8000 को सिंपल हिट करा तो ये इस तरीके से मेरे पास हेलो पेनाग्लॉट आ गई। फिर मैंने इसके अंदर स्लेज डॉग सेट करा। जब मैंने इसमें स्लेज डॉग एक्ट करा तो उसने मुझे सारी डिटेल शेयर कर दी कि आपके पास एपीआई की कुछ रिक्वेस्ट बनी हुई है, गेट की दो बनी हुई है और एक पोस्ट की बनी हुई। तो पहले मैंने गेट की चलाता हूँ। एक मेक श्योर ये करना है, जो मेरा सर्वर का यूआरएल है यहाँ पर, ये है 127001 8000, और यहाँ जो ऊपर है ये भी सेम है, 127001 8000। तो ये बस दोनों सेम होने चाहिए, इनको डिफरेंट नहीं करना। तो यहाँ पर आकर जब मैं गेट करता हूँ, कहाँ गायब हो गया मेरे पास, हाँ यहाँ पर आ गया। मैं ट्राई इट आउट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस एग्जीक्यूट के बाद मेरे पास ये रिस्पॉन्स बॉडी आ जाती है, और रिस्पॉन्स बॉडी से मुझे पता लग जाता है 200 के कोड से कि मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। फिर मेरे पास टू डू है, टू डू के अंदर मैं देख लेता हूँ फिर टू डू में क्या रखा हुआ है फिलहाल। तो टू डू में कुछ रखा हुआ या नहीं रखा हुआ, तो यहाँ पर ये आ जाता है कि टू डू अभी मेरे पास उसमें ये डेटा रखा हुआ है इनिशियली। इसी तरीके से नीचे मेरे पास टू डू में पोज का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं जाकर डेटा पोज भी कर सकता हूँ अपने पास। तो यहाँ पर हम गए एग्जीक्यूट में, ट्राई आउट में गए, ट्राई आउट के बाद हमारे पास यहाँ बॉडी आ गई। यहाँ पे हमने इसको वन कर देते हैं, और यहाँ पे इसको अमीन कर देता हूँ मैं, अमीन आलम कर देता हूँ, या जो नाम ऐड कर देंगे। एग्जीक्यूट जैसे मैंने करा तो ये डेटा ऐड हो गया है, और देखें रिटर्न भी आ गया। अगर मैं ऊपर गेट में वाली में वापस जाता हूँ, ये सब बना हुआ है ना ऑलरेडी, हम तो जस्ट यूज कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें मेरे पास डेटा लिस्ट के तौर पर आना चाहिए, लेकिन ये अभी एक ही डेटा शो करा रहा है। इसके पीछे भी एक रीज़न है और वो रीज़न कुछ और है। चलेंगे तो हम एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में कमिट हुआ है डेटाबेस वाला पार्ट। यहाँ पर आए कोड में, कोड में आने के बाद ऐप में आए, ऐप में आने के बाद मेन में आए, और यहाँ पर जब नीचे जाते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है कि डेटाबेस में जो कमिट हो रहा था कोड, वो हमने यहाँ पर कमिट करा हुआ। अगर मैं इसको अनकमिट करूँगा तो डेटाबेस में डेटा जाएगा, लेकिन इस वक्त काफ्का में डेटा ज़रूर जा रहा है। काफ्का की यूआई कॉल करने के लिए क्या करना होगा, गूगल पे आते हैं, लोकल होस्ट काफ्का की यूआई क्या आती है 8080, और एंटर करते हैं। हो गया कोई को जवाब दो, तभी कभी मजाक के अस्सलाम वालेकुम सर। इसको मिटा ये देखिए मेरे पास काफ़ का क्लस्टर आ रहा है, दो, क्लस्टर एक आप आ रहा है। यहाँ पर मैं टॉपिक में आता हूँ तो दोबारा एक टॉपिक भी होना चाहिए यहाँ पर, टॉपिक भी आ रहा है टूडूस के नाम का, इस टॉपिक में आते हैं। इसके पास एक मैसेज भी है, इसके मैसेज में जाते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज है और ये रहा मीन का मैसेज रखा हुआ सक्सेसफुल। तो ये टेस्टिंग मैंने कर ली है, अब आप लोगों ने हैंड रेस करके मुझे बताना है कितने लोगों के पास सेम चीज़ चल गई है। सब हैंड रेस करें,
कन्वेंशन होती है। और क्लास के साथ साथ एक अब बात जो लोग और हैंड आपने रेसलिंग कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं उनके स्टैंड किया पास ये हुआ नहीं है चला है, तो मैथ जिनके पास चल गया है वो सब हैंड रेस कर और लें। प्रोजेक्ट रन हो रैंडमली रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मैं काफ का का यूआई एक्स्ट्रा नजर आ स्टैंड रहा है, कुछ डेटा समझ पोस्ट रहा है करते हैं तो वो भी आ रैंडम जाएगा, क्या जाहिर है सी बात है। तो उसका सब लोग हैंड रेस कर लें, जिनका चल गया, मैथड जिनका क्या नहीं होता चला है फिर हम उनसे बात करते हैं। फंक्शन होता है। जब फंक्शन अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, क्लास बना रहे हैं मेरे जी नाम से और बोले, समझ सवाल रहे हैं कि करें। दिस क्या चीज़। अच्छा सर, मैं इधर इशू देख रहा हूँ, ये है क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं कर, ये इशू आ रहा है दोबारा, ये रिपीटेशन हो रही है क्लासेस की, तो ये तो इसका हेल्प डेस्क था, प्रैक्टिस करेंगे ये इशू हल हो जाएगा। लेकिन हमारे ना इशू बताने चाहिए जो कोडिंग में आ रहे हैं वो होना चाहिए, हेल्प डेस्क इसलिए रखा गया, ये तो फिर रेपिटेशन हो रही है क्लासेस की जो हम देख रहे हैं। तो हम तो ये चीज़ कर चुके हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस के जरिए, क्योंकि इशू आते हैं, हमारा इशू ये आ रहा था कि डेटाबेस जो बनानी है इसकी, हर माइक्रो सर्विस की, उसके लिए अलग सर्विस बनाना, सर्वर बनाना पड़ेगा इसके लिए, जो भी माइक्रो सर्विस होगी उसके अलग से इसके लिए पोस्टग्रेस का सर्वर जो बनाना पड़ेगा हमें। सर मैं ये इशू आ रहा था। हेलो वादिल भाई मैंने ये किया है कि एक ही सर्विस के अंदर 6 डिफरेंट डेटाबेस बना दिए और हर एपीआई का अपना अलग अलग डेटा स्टोर हो गया। ठीक, सर्वर अलग बनाना पड़ेगा उसके लिए फिर। नहीं वो यार सर्विस अपना का क्वेश्चन स्ट्रक्चर थोड़ा इसके दोहरा अंदर दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से डेटाबेस आमिर अमीन भाई को आवाज़ नहीं आ रही है ना, वहाँ पे गवर्नर हाउस में शोर बहुत है। अच्छा क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन मैंने सुना है। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो अगर आप एक ऐसी माइक्रो सर्विस क्रिएट कर रहे हैं जिसका अपना इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डेटाबेस होगा तो फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, एक सेपरेट बनाएंगे आप। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हर माइक्रो सर्विस की अलग आप क्रिएट करें। जैसे हमें मार्ट अगर बनाना है तो मार्ट के प्रोजेक्ट में आपकी मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज चल रही होंगी। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की अलग है, ऑर्डर प्लेसमेंट की अलग है, शायद अकाउंटिंग और फाइनेंस की अलग होगी, जैसे पेमेंट गेटवे और इस तरह की। तो डिपेंड करता है आपका आर्किटेक्चर क्या है, आपका आइडिया क्या है। ठीक है तो और अनदर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हर माइक्रो सर्विस की आप इंडिपेंडेंट सेपरेट डेटाबेस रखें ताकि कोई सी डेटाबेस डाउन डाउन हो। अगर आपने एक यूनिवर्सल रखी हुई होगी तो डेटाबेस डाउन होगी तो सारी सर्विसेज जो है ना कलेप्स कर जाएंगे। तो ये है थैंक यू। ठीक है। अच्छा अभी हम, क्योंकि ना हम चाह रहे हैं सब लोग सेम पेज पे रहें, ऐसा नहीं हो कि हम कुछ और एरर सॉल्व कर रहे हो और किसी कोई बेचारा इनिशियल लेवल पे फंसा हो, तो इसी नहीं हमें सबसे प्रोजेक्ट चलवाना ज़रूरी है। जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है वो प्रोजेक्ट तो सबके पास चले ना एटलीस्ट, अगर वही नहीं चला तो मसला हो जाएगा। तो सबने हैंड रेस्ट कर दिए जिन जिनके पास ये चल गया है, जिनके पास नहीं ठीक चला है। हम वन बाय वन आते मल्टीपल हैं। क्या तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कवर ये किया जिनका अभी ये और नहीं चला है वो यहाँ प्लीज पे इस आप क्लास के वन बाय अंदर वन जो अपना कोई माइक अर्निंग अनम्यूट नहीं करके आए है और रिपोर्ट बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। किया समझ लीजिए। ईमेल जो पोर्टल ठीक है जिन जिनके प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है वो वन आप बाय वन अप्लाई आए करिए और बेस्ट बताएं क्या अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम उनके पास आ रही है और क्यों नहीं चल रहा है। सर एक सवाल पूछना था कि आप जो हैं डेव कंटेनर जब चलाते हैं उसमें वीएस कोड पे उसको जरा एक दफ़ा रन करके दिखा दें। अगर हमारे कंटेनर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए जो आप
वीएस कोड पे चला रहे हाँ हैं। इसके बाद वही वाला स्टेप है, एक बार लास्ट सबके पास ही प्रोजेक्ट चल जाए, के अंदर जो अगर सबके पास प्रॉपर्टी ही है प्रोजेक्ट चल जाता है फिर हम जिसको उस पर जाएंगे डेव कंटेनर पे। ऑब्जेक्ट को डिफेंस कर रहा है, जिसको ऑब्जेक्ट है अब जिन लोगों ने उसको हैंड जब रेस नहीं मैं करा किसी वो और अनम्यूट कनेक्ट होके करता हूँ बताएंगे कि क्या अगर प्रॉब्लम मेरी है, क्या कनेक्शन उन्होंने की हैंड वैलिडिटी रेस नहीं करा प्रॉब्लम तो है उनके उसको पास क्या इशू आप आ रहा है। एक्सेस करना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने हैंड रेस नहीं करा उनके पास क्या इशू ठीक आ है रहा है तो वो प्लीज अनम्यूट होके बताएं। रिस्क समझ में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैंने इसलिए नहीं हैंड रेस किया कि मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा और मैं सेल फोन से देख रही हूँ क्लास। ठीक है हेलो, हाँ हेलो जी, एरर ठीक है अपना बताएं, और स्क्रीन शेयर करें, मैं क्या इशू आ रहा है। ठीक आई थिंक लास्ट वाला मैं मैसेज सुन नहीं सका, कोई बताएगा कि किसी के पास अगर एरर आ रहा है तो क्या आ रहा है, क्यों आप लोग अभी तक है प्रोजेक्ट नहीं रन कर सर, सके, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये अरे लास्ट जो अच्छा था ना मैसेज वो कोई एरर नहीं था, वो बता रही थी कि मैं हेडलेस ऐसे नहीं कर रही कि मैं फोन पे देख रही हूँ। मान लो सर मेरा एरर आ रहा है। हेलो जी, प्लीज बताएं क्या सर, एरर आ रहा है। मेरा एरर जो आ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा एरर क्या है। मैं लिख सकती हूँ, कॉपी कर सकती हूँ उसमें, तो सही भी तो कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैकबुक कह मैसेज में रहे कॉपी जी कर दी ये है जी जी एरर, मैंने पेस्ट किया है। क्या करते हैं स्क्रीन शेयर कर मुझे ले, जो भी प्रॉब्लम मसला है स्क्रीन शेयर कर ले। है लेकिन इसकी एरर ये है, यहाँ पे एरर है, एरर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी। अच्छा करते हैं ना, आप अपना मेल चेंज करवा दो, हम अब हो यही रही है करेंगे। जी, ठीक है, तो मैंने कहा अब मुझे मेल चेंज करना है, कैसे करूंगा इससे अब अगर ये जो है ना, मुझे ये एरर में समझ में नहीं आ रहा। दिस दिस आ जाएगा, मैं इनको एक्सेस करना है, तो मैंने कहा दिस डॉट, वो खुद ही बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है कि भाई मेल की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है या फिर न्यू समझ में मेल नहीं आ रहा, को। बात समझ नहीं आ रही। हेलो आपके कोड में नहीं डिपेंड्स ऑन पे ब्रोकर भी लगा हुआ है API 1 में, आपका API 1 क्यों है, बाकी कोड कहाँ गया। के अंदर जो भी वैल्यू आया वो आप कर दो। टॉप पर है, अब बात समझ में आ गई, अब टॉप पे आऊं इसके मेरा।
अच्छा मैंने जो अभी प्रोजेक्ट पुल कर रहा था एपीआई 1 के बाद एपीआई 2 भी था, मुझे ऐसा लग रहा है आपका दूसरा कोई प्रोजेक्ट है ये। बनाया, ये मेरा कौन का है? हमने एक टेम्पलेट बनाया जिससे इन प्रॉपर्टी है नहीं की, फिर ये कंस्ट्रक्ट कौन वाला नहीं करा रहे करते आप? नहीं, हमने स्टेप जीरो टू उठाया है, स्टेप जीरो टू वाला कॉपी करा है, ये वाला नहीं करा। ये नहीं किया। अच्छा एक चीज तो अच्छा मुझे बता दें कि ना ये आप कंटेनर के अंदर कैसे जाते हैं, कलर नहीं आ ये तो मैं रहा बताता हूँ, ये इसके बाद वाला स्टेप है। है। इसके बाद वाला स्टेप है, चलो सही है, थैंक यू। ये एक बार सबके पास हो जाए इसके बाद वाला स्टेप है। एक चलिए थैंक यू। तो आप ये बताएंगे आज की क्लास में? आप अपने पास स्टेप 0 2 चलाए हैं इवेंट ड्रिवन का, वो तो चल गया। वो चल गया तो हैंडल्स कर लेना फिर आप भी, अच्छा चलिए सही देने है, के बाद चल थैंक गया वो हैंडल्स कर लेना, आगे की चीज़ हम इसके बाद यू। देखेंगे। ओके चलिए थैंक यू। सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम जी। जैसे लगे कोई मसला है तो स्क्रीन शेयर करके बता दें। मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता मोबाइल। तो फिर मसला कैसे डिस्कस करेंगे? चलिए बताएं अपने प्रॉब्लम के बारे में तो बताएं। मेरी आवाज आ रही जी थोड़ी बहुत आ रही है। है जी? तो मैं कह रहा था लोकल होस्ट पर चल गया मेरा प्रोजेक्ट, लेकिन शायद काफ़ी बड़े मसला आ रहा है, क्योंकि जब कुछ चला रहा हूँ तो डैशबोर्ड आ रहा है, उसमें बस लिखा आ रहा है लोकल काफ़ी क्लस्टर वर्जन 3.7 और आगे आपने सब। वो कॉल जो 8,000 पे जाके डॉक्स में जाके अमीन भाई ने एक कस्टम मैसेज जो है वो पोस्ट कमांड चलाई थी, वो चला लिया? नहीं अभी मैं गूगल पे जाके लोकल होस्ट 8080 चलाया, इसमें काफ़का का यूआई आ गया। जी हाँ, तो 8080 पर काफ़ी यूआई है, लेकिन 8,000 के ऊपर हमारी मेन माइक्रो सर्विस है। आप उस सर्विस पे जाकर कोई एक पोस्ट कमांड चला दें, फिर उसके बाद काफ़ी यूआई बनाए ताकि वो आपकी बता सके कि टॉपिक बन गया है ये, और ये कि आपका जो मैसेज है वो आपके कंज्यूम। अच्छा कौन सी राउट पे चलाऊँ? देखिए चैट पे भी मैंने बताया था 127.0.0.18,000/docs पे चले जाए। अच्छा यहाँ जी पर यहाँ टॉपिक्स पे चले, दो यहाँ पर अभी आप हैं 88 पर, टॉपिक्स पे चले जाए। जी अच्छा चला गया। नो टॉपिक्स फाउंड, 80 8,000 अच्छा लोकल होस्ट है ना हाँ आप? तो आपके पास इतना मतलब एपीआई है चीजें चल रही हैं, आप उस पे जाओ एपीआई डॉक्स पे और डेटा कुछ पोस्ट करो वहां से टू डू में। सर यहाँ दो गेट की और एक पोस्ट की राउट आ रही है, किस पे करूँ? हाँ दिखाओ कहाँ आ रही है। वैसे बाय द वे जब भी आपको भी कुछ पोस्ट करना है तो पोस्ट की ही आप इस्तेमाल करेंगे, गेट की इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई डाटा पोस्ट करना है तो सर पोस्ट भेज जाएंगे। ये मेरी स्क्रीन नहीं है, शेयर हुई। हाँ हेलो ऑफ कोर्स, तो आप जरा हेलो जाके ना पोस्ट करें स्क्रीन, पोस्ट करें जाके और फिर उसके बाद आप देखें। अच्छा मैं कंटेंट में हेलो वर्ल्ड लिखूं? मेरे ख्याल से जो करंट स्क्रीन शेयर हुई है ना उनका भी सेम ही प्रॉब्लम है, तो उनको हम गाइड कर देते हैं, आप देख लें। आई होप कि ज्यादा दिन का भी मसला आ जाएगा। मैं कहता तो हूँ अनशेयर ठीक कर है दिया, सर। आप कर दें शेयर। सर मैं मोबाइल पे हूँ। तो फिर एरर कैसे सॉल्व करें हम आपका? अच्छा जी मेरे आप अली जाएं अली टॉक्स पे भाई जाएं यार और कुछ डेटा पोस्ट करें टू डू में। जी सर यहाँ आईडी 0 कर दी मैंने, कंटेंट हेलो वर्ल्ड कर दी। अरे भाई ब्राउजर पे जाए, स्क्रीन ब्राउजर जो पे शेयर जाए। है ये ब्राउजर पर जाओ ना, स्क्रीन किसकी शेयर है? आप वॉइस ब्राउजर पे ही मतलब हूँ। डॉक्स पे जाओ आईपीआई के, सर ये तो मेरी स्क्रीन है आप नहीं, मैं तो ब्राउजर।
जो है स्क्रिप्ट जेपीटी स्क्रिप्ट सेवन यूआई जिसे आप कह रहे माइक हैं आप कॉलिंग लोग, है ना आप। मैं वहीं पे हूँ। अच्छा अली ये तुम्हारी स्क्रीन है, अली को कहा जा रहा है, आप लिखो लोकल और लोकल हॉस्ट कॉलर फोर टाइम एड, एक नया टैब खोलो अली, एक नया टैब खोलो कंट्रोल एन से जिसने स्क्रीन शेयर की हुई है, जी क्लिक करें न्यू टैब पे, न्यू टैब पे क्लिक करें गूगल क्रोम के ही जी, यहाँ पे आप लिखें लोकल हॉस्ट, लोकल हॉस्ट मिला के लिखोगे कॉलन, दो डॉट जो है कॉलन है, फिर फोर टाइम एट लिख, एट 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 ठीक है, बल्कि 8000 है आई थिंक, तो एट के बाद 3 0 लगाते, एंटर करें ठीक है। अब इसके बाद स्लैश डालो एंड के अंदर, 8000 के बाद स्लैश, और वहां पे लिखो DOCS ठीक है, यहां से आप वो पॉज करेंगे। अच्छा अब इनको यहां से गाइड करिएगा प्लीज, एक चीज और करें, लोकल होस्ट की जगह ना ये देखें मैच करें सर्वर के अंदर क्या मतलब यूआरएल लिखा हुआ है 127001 8000, तो आप भी सेम करें 127001 8000। और अली आप अपने आपको अनम्यूट भी कर रहे हैं। जी हाँ करें इसको 127001। अच्छा .0.0.1 .1 हाँ एंटर करें। अच्छा अब आप पोस्ट में जाके डेटा पोस्ट करेंगे पोस्ट एपीआई में। अटेंशन बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, रिक्वेस्ट बॉडी जो है उसमें जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसकी जगह अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, और नीचे एग्जीक्यूट का बटन दिया हुआ है, वो एग्जीक्यूट का बटन दबा दें। नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपको नजर आ जाएगा कि रिजल्ट क्या आया इस एपीआई कॉल का। तो देखें आपका 200 का रिस्पॉन्स है, यानी कि सक्सेसफुल है। नीचे देखें कोड लिखा हुआ है, कोड के नीचे 200 लिखा हुआ है, इसका मतलब रिजल्ट सक्सेसफुल है। और डिटेल में आ गया है कि रिस्पॉन्स बॉडी ID 0 और कॉन्टेंट अली, तो यानी कि ये जो डाटा था ये फॉरवर्ड कर दिया गया है और टॉपिक में राइट कर दिया गया। अब हम आप जाएंगे काफ्का की यूआई वाले। हाँ देखें यहाँ पे टू डूज आ गए, टू डूज पे क्लिक करें, काफ्का यूआई नॉट डॉकर डेस्कटॉप, काफ्का यूआई पर ही थे आप। चलें ठीक, चलें यहाँ पे टॉपिक्स में है, कोई क्या करें वहाँ लोकल होस्ट है ना 127 ही रखे, 127.0.0.1 लोकल होस्ट की जगह। यस नंबर यूआरएल का इतना मसला नहीं है काफ्का यूआई में, आप डायरेक्ट जाके टॉपिक देख लें, इसको इसको कट कर दें, स्कैप का बटन दबा दें। हमने कहा सर चले स्किप हो गया, बराबर होगा करके हाँ जिससे इसको ऐसे ही आगे रख प्लेस लें, ना हो जाए डायरेक्ट जाके टॉपिक देख लें। टॉपिक्स टूडूस में जाए, हाँ इफ रोल नंबर लोअर मैसेज में नंबर जाए, ऊपर है मैसेज, एक्सेसरी ऊपर 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 ढूंढने में ऊपर मैसेज का ऑप्शन, हाँ यहाँ मैसेजेस यहीं मैसेज पर है, ठीक है। मैंने यार आपका एक क्लास मैसेज बनाई जिसके अंदर बस हो गया सक्सेसफुली। आप हैंड क्लाइंट डेस्क करते हैं अपना, मैं और और बाकी रॉबर्ट लोगों के पास ये सेम प्रॉब्लम थी ये तो वो भी इसको क्लियरली कंटिन्यू कर बनाई, लें। सर मेरा भी एक एरर आ रहा है। जी, स्क्रीन शेयर कर लें। मेरे को आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना प्रॉब्लम बता दें। जी मैं कर रहा हूँ। जी सर मेरा भी काफी मैसेज आ गया, थैंक यू। जबरदस्त हैंड रेस कर रहे हैं,
सर ये इम्पोर्ट में एरर आ रहा है फ्रॉम काफ्का का, और यहाँ पर अपना एरर रिस्पॉन्स आ रहा है बेसिकली। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। आपने वही सारे स्टेप फॉलो किए थे ना जो कि हमने बताया। आपने सिर्फ कैफ्का मैसेजिंग की का फोल्डर कॉपी किया है और उसके बाद आपने डॉकर कंपोज अप चलाया, राइट? जी डॉकर जी यस कंपोज कॉन्फ़िग चलाया था आपने? जी जी मैंने चलाया था ऊपर ये रहा। ठीक है हाँ, ठीक अपने अपने जरा कंटेनर्स देखें। है, और एक पिक्चर अगर डॉकर डेस्कटॉप पे जाएं, आपके मैं कहूँगा कि सारे कंटेनर्स अपने डाउन करके फिर इसके बाद इसको ऑफ करें। मे बी कोई कंटेनर्स पहले से चल रहे हो इसी नाम के, ये भी डाउन कर दूं? बेहतर ये होगा सारे कंटेनर डाउन करते हैं। सारे कंटेनर डाउन करते हैं और फिर डॉकर कंपोज डाउन भी करते हैं इसको और फिर डॉकर कंपोज अप करते हैं। माइनस माइनस डॉकर बिल्ड पीएस लगा लिखेंगे पहले 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 पीएस लिखते हैं। जबरदस्त, माइनस माइनस बिल्ड भी लगा देगा, कर दें डॉकर कंपोज अप माइनस डी माइनस माइनस। अच्छा अब लोकल हाउस पे जबरदस्त, जाना। जी हाँ बिल्कुल, लोकल हाउस पे चले जाएं। 8,000 बिल्कुल ठीक है, इसी को एंटर कर दें। बिल्कुल ठीक है, चल रहा है। स्लैश डॉक्स पे चले जाएं। अच्छा, ये दिस इज समथिंग एल्स। ये ऑथराइजेशन वाला जो मैं कर रहा था उसका क्यों आ रहा है यहाँ पर? हालांकि कम वो आई गेस यस, यहाँ से डाउन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। आप बिल्कुल सब हमने डाउन नहीं किया हुआ क्या? ओह सॉरी, ये शायद हमारा दूसरे उस पे चल गया कोड। माय बैड। जब उसको कोई एक पोर्ट की मिलती तो वो दूसरे पोर्ट पे करने की ओके ओके, कोशिश हमने कर हमने लेता। गलत उस पे चला दिया था कोड कमांड ना। बेसिकली कोड ये था। पहले कंपोज करता हूँ वो देख लेता। अच्छा ये किस चीज़ का एरर दे रहा है बेसिकली? ये सिंपल टेलीसेंस का एरर। जी, पेज को रिफ्रेश कर लेते चले। हाँ, मेरे ख्याल से अब आ गए हम लोग स्लैश डॉक्स। बिल्कुल, यहाँ पे पोस्ट की एक सलाह। आईडी डालनी है? आईडी डालनी है नहीं, नहीं, आपकी मर्जी है, डालना चाहे तो डाल दें, अच्छा मसला ये नहीं है। हो चले, गया। 200 का आ गया रिस्पॉन्स। अब आप इसी पे 127.001.8080 पे चले जाएं।
क्या डालनी है? जो 8000 है ना वहाँ पे 8080 लिखना है, 8080। राइट बिल्कुल। अच्छा ये हमने क्यों डाला, क्योंकि हमने जो अपना काफका का यूआई डिप्लॉय किया हुआ ना वो इस पोर्ट पे किया हुआ है। यहाँ ओके से आप जाएंगे टॉपिक्स में कि हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं। आपके पास लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है वहाँ पे बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने टू डूज में क्या, टू डूज में मैसेजेस में, और देखें यहाँ पर आपका ऑलराइट मैसेज आ गया तो ये हो गया जितना। जबरदस्त। अब हैंड रेस कर लें और स्क्रीन ओके थैंक अनशेयर कर लें। यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा चल रहा है 8000 पे, लेकिन कोर्स का इशू आ रहा है जब पोस्ट की कमांड चल रहे हैं, तो कैन आई शेयर माय स्क्रीन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कर। ये मेथड नॉट अलाउड। अच्छा आप लॉग्स तो देख रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस देख रहे हैं क्या, काम कर रहे हैं काम ही नहीं कर रहे, रुक गए अभी। ये मैंने चलाया था, 1 मिनट में इसको, जो स्टेप्स एक अमीन भाई मिनट ने अभी बताए थे सारे वही स्टेप्स फॉलो किए हैं। जी। चल रहा है ये 8000 के ऊपर, लेकिन जब आपने पोस्ट करें, पोस्ट की कमांड चलाते हैं तो अभी आपने जो स्क्रीन शेयर की है ना उसमें सिर्फ डॉकर डेस्कटॉप शेयर कर दिया है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ डॉकर डेस्कटॉप ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अनशेयर ओहो करके स्क्रीन दोबारा शेयर करें और स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद शेयर करें। ओके। मैं ये अब आ रहा है आपको सर? जी ये इशू बिल्कुल जरा अपने तमाम कंटेनर्स को आईडी डाउन करके दोबारा आप करें। सर उसकी, अगर आईडी चेंज करें वो 0 है ना, वन हाँ करें मे तो बी उसके आईडी लिए की काफी। वजह से एक नहीं, अपने मैंने आईडी काफका वन यूआई के साथ चेंज। भी ट्राई किया था, आईडी वन के साथ भी ट्राई किया था। अच्छा गेट वाली एपीआई कॉल कर, नहीं वो तो शायद नहीं चलेगी। काफका यूआई के ऊपर आपने चेक किया टॉपिक्स में आके, वहां पर है टॉपिक्स ठीक नजर आ आपका रहे यूआई में भी, एक मिनट मेरा मतलब, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा तो मसला नहीं है, स्क्रीन आपकी बिल्कुल शेयर हो रही है। मेरा गूगल क्रोम अचानक अपडेट पे चला गया। आई एम सॉरी, आप किसी और को मैं अनशेयर कर देती हूँ। फिलहाल मैं थोड़ी देर बाद कनेक्ट करती हूँ, मेरा गूगल क्रोम जो है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको थोड़ी देर में फिर आपको दोबारा कनेक्ट करती हूँ। श्योर श्योर, टेक योर टाइम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा एक एरर आ रहा था, मेरे डॉकर बूज ऑफ माइनस डी माइनस माइनस कर दिए, उसके बाद लॉग्स में आके इसको एरर आ रहा है। चलें स्क्रीन शेयर करें और देखें। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? शो होना शुरू तो हो गई है बट यहाँ तक पहुंची नहीं है।
अनशेयर करके दोबारा से शेयर करके देख। हेलो, आई थिंक स्क्रीन उनकी बीच में स्टक हो गई। हाँ मैं इसको रीशा करता हूँ। स्टॉप करें उसको, फिर रीशेयर कर लें। कोई सर एक्चुअली मेरा लैपटॉप स्टक हो गया बीच में। हाँ बात नहीं, जब तक हम दूसरा एरर अकोमोडेट कर लेते हैं। अच्छा और मुझे बताएं, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ऐसे तो आप लोग बोलेंगे नहीं, मास्क को मैं मास्क ऑलरेडी है। तलहा शफीक जी बताएं क्या एरर आ रहा है। तलहा शफीक की मेरे पास कोई आवाज़ नहीं आ रही। आगे आए थे अदनान अंसारी सर, लास्ट जी। तलहा शफीक बोले। टॉपिक की तरफ बढ़े। अच्छा सर, मेरा हाँ एरर तो कोई नहीं है। हेलो। हाँ पूछें। हाँ सर, मेरा एरर कोई नहीं है, पर मैं ये कह रहा था कि मेरा प्रोजेक्ट जो दिया हुआ सर ने, उस पे कोई हेल्प मिल सकती है थोड़ी बहुत। हम उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी की तरफ से जा रहे हैं हम। आप ये बताएं, ये जी वाला स्टेप चल गया जो हमने चलाया? तो ये वाला मेरा ओके सर। आप हैंडल्स करें ना, आप तक मेरी बात पहुंची नहीं थी जो मैंने शुरू में बोली थी। ठीक तो ताकि हम सबको सिंक करके चले ना, जिनके पास प्रोजेक्ट चल गया वो हैंडल्स कर लें। ओके ओके सर। एक सवाल था मेरा, अच्छा इसके स्क्रीन शेयर कर जी सकती हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते। हाँ ये स्क्रीन हो नहीं रही क्या शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। अली अली सर, अच्छा आप आ जाएं, आप बताएं क्या इशू आ रहा है आपके पास। आमिर रशीद, अरहम, सुपर असमा, एक आयशा, बिलाल, थोड़ा क्लास फास्ट फास्ट आए, बताते जाएं, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा जा रहा है इसमें। पर नहीं है सर, जी बताएं। मेरा इश्यू आ रहा है तो मैं स्क्रीन शेयर करूं। इशू बताएं भी, साथ साथ शेयर भी कर लेंगे। इशू भी बताना शुरू कर जी दें। जब मैं सर में जब मैं पोस्ट करता हूँ ना तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। क्या करते हमने हैं क्लास बनाई बेटा, पोस्ट कर स्टूडेंट, जब दे, मैं कहाँ दिखाएं? पोस्ट, जी मैं दिखाता हूँ यार, ये क्या मेरी स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर में कह रहा है कि यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर वाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयरिंग। तो ये किसी अरे और सर, ने शेयर की सलमान हुई? ने स्क्रीन शेयर की थी, सलमान ने स्क्रीन शेयर की थी और वहां पे स्टक हो गया। और अगर मैं इससे कल एक ऑब्जेक्ट बनाऊं P1, हेलो न्यू अस्सलाम वालेकुम टीचर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, आप कह रहे हैं शेयर? और इसको मैं कंसोल कर देता हूँ, जी मैं कर जरा रहा हूँ ध्यान देना, पता नहीं सर, वही प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, नहीं वो स्टक ही है। अगर T1 को कंसोल करूँ और T1 इन्हें जी हेल्प अभी कर ठीक रहा है, है, आप एक्सटेंड कर रहा है रीशेयर दोबारा उनकी करें, स्टूडेंट दोबारा से, करें। मतलब स्टूडेंट जी की जितनी जी मैं कर रहा हूँ, कर प्रॉपर्टी। रहा हूँ। सर ये एरर आ रहा है, फेल टू फैच। क्या रीशेयर कर लें दोबारा से, हो जाएगी अब। हमें एक ऑब्जेक्ट मिला करता हेलो सर, मेरा ये वाला बाद एरर में आ रहा आपकी स्क्रीन है। शेयर नहीं हुई टीचर है, बाद में ने आपकी खुद स्क्रीन को शेयर नहीं हुई है। एक्सप्लेन किया अच्छा चलिए, मैं स्टूडेंट करता हूँ, दोबारा से, करता हूँ। मेरा डॉक्टर कंपोज होती है लेकिन मेरी कोड जो है ना उसमें नहीं आ रहा है, जीरो है। एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिट कर पास के बाद लिया आपके पास आते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे ले आओ, और हमें फिर टीचर से कर जी, ये मतलब सर मैं आ रहा है, मेरे पास जो मेरा एरर है वो ये आ रहा है पोस्ट करने पे। अभी बिल्कुल। आपने काफी आपकी यूआई थोड़ी चेक देर की पहले सर, बताया था जो इसमें आपका लोकल होस्ट है वो लोकल होस्ट नहीं होगा, 127001 होगा। एक्सटेंड को अगर मैनेज वो कर आप दूँ नहीं करेंगे तो ये एरर आएगा आपके पास, से आप उसको 127001 कर दें। सर मैं, सर मैंने उसको करके फिर रीस्टार्ट किया है तो फिर भी यही नहीं, एरर आ रहा है। नहीं कह रहा ना, नजर नहीं आ रहा था ऊपर लोकल आपने होस्ट जो पे, एड्रेस देखें बार में, ऊपर ब्राउज अच्छा ब्राउजर की देखिए एड्रेस। एड्रेस बार में लिखा हुआ है ना, लोकल होस्ट कॉलन 8000 सबसे टॉप के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोकल होस्ट को मिटा के 127.0.0.1 करेंगे,
जी तो शुरू में लोकल होस्ट को रिप्लेस करें जी, जी जी स्लैश डॉक्स सबसे लास्ट में। जी थैंक यू सर, हो गया जी, यूआई में भी जाके चेक कर ले। मैं करूँ। चलिए सिंपल सेम ही एक नया टैब खोले और 8000 की जगह 8080 लिख दे, बस डॉक्स वगैरह हटा दें आगे। 127001 8080। ना वो नजर नहीं आ रहा, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट नहीं, 127001 8080। अच्छा कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि सब लोकल वन ट्वेंटी जी सेवन जी पर ही जाए। जरूर 127। देखो सही है, यही पूरा ब्राउज़ है, बट 8000 नहीं है, 8080 है, एट जी जीरो एट जी जीरो जी जी बिल्कुल सर। फिक्स में, प्रोड्यूस में, मैसेजेस में, ठीक हो गया, ऊपर थैंक यू मैसेजेस में सर। देखें, मैसेजेस में आ रहा है आपका रिस्पांस, जी ऊपर मैसेजेस में, ओवरव्यू के बिल्कुल बराबर में मैसेजेस जी का हाँ टैब है, जी बिल्कुल यहाँ पर आ ये गया। देखिए जैसे आगे कराची आ जी गया, बिल्कुल आप। हाँ जी हाँ आगे बिना स्क्रीन अनशेयर कर लें और अपना हैंड रेज कर लें। मैं कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम साहब, लेकिन अभी सर टैब मेरा खोलने डेटा। का, महबूब भाई एक मिनट दीजिएगा जरा, डेल भाई जो है हमारे का थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद आप क्या रहता है। जी सर, मैं इसके ग्राउंड पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही। जी बिल्कुल, स्क्रीन शेयर है आपकी, जरा डॉकर पीएस लिखिएगा या डॉकर क्या कहते हैं, डॉकर डेस्कटॉप देख लें। डॉकर डेस्कटॉप पे आ रही है, ये आ रही 6.7 एमएच वाला। बिल्कुल सही है, तमाम अच्छा। पोर्ट पे नहीं, इंजन में जाएगा तो पोर्ट पे ही। डॉकर कंपोज की फाइल, आपने ये पूरा सिर्फ कॉपी करके पेस्ट किया ना अपने पास और जी कुछ भी नहीं कॉपी किया, करके पेस्ट किया, और कुछ इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की हो नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो अगर ऐसी बात है तो डॉकर कंपोज डाउन करें और उसको दोबारा से अप करें बिल्ड के साथ। पहले डाउन तो कर ले भाई, -3 भी कर लीजिएगा।
माइनस डी के साथ चलेंगे। जी, माइनस डी कर। अच्छा बिल्ट नहीं है, बिल्ड, BYLD। चलो आपकी तो इमेज बिल्ड होने में टाइम लगाएगी, जब तक कोई दूसरा स्क्रीन शेयर करके आ जाए। आप इसे स्टॉप कर लेना स्क्रीन, और इसको चल जाएगा, ये कोई मसला नहीं आएगा। मैंने दो बार और मैसेज कोई किया, दोबारा उसको बिल्ड किया है। ये मिस्टर अदनान अंसारी, मतलब शानदार अंसारी, अहमद अली और अली अली दर। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एरर बताएं। ये वो मैसेजेस नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या एरर आ रहा है, एरर कोई नहीं है। दिखाएं, शो कराएं। अरे प्रधान भाई स्क्रीन शेयर करें। जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई सर। बिल्कुल ठीक है, आपने काफ़ का यूआई के टॉपिक्स दिखाए। जहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपके मैसेजेस नहीं आ पा रहे। अच्छा, अभी मसला ये है कि आपने सिर्फ वीएस कोड शेयर कर दिया अपना, तो स्क्रीन शेयर करें तो जी इंटायर स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ जी, इंटायर वो दिखाया ना मैसेज पे, आपके पास एरर आता ना, आपने कहा था मैसेज पोस्ट नहीं कर पा रहा मैं, जी। तो वो यूआई आएगी ना गूगल पे। हाँ, अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग जी तक बात पहुंच पा रही है जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं? शुरू में हमने एक बात बोली थी, टॉप पर आए, सबसे टॉप पर। अब बाकी जो लोगों के पास एरर आ रहा है ना, जिन्होंने हैंड रेस नहीं करा हुआ, वो एक बार गौर से देखें इस बात पे। ये देखें सर्वर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 127001 8000। मैंने कहा था जो यहाँ लिखा हुआ है वही ऊपर होना चाहिए। तो ये छोटा सा मैसेज आप लोग क्यों इसको रिसीव नहीं कर पा रहे, या इस पर फोकस नहीं कर पा रहे? सर, अब एक बार रिपीट करें, आपने क्या करा ताकि बाकियों तक पहुंचे। जी, मैंने इसका जो होस्ट है उसको 127.0.1 किया है। अच्छा सर, ये एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये डॉक्यूमेंटेशन उधर से भी खुल रही है और इधर से भी खुल रही है, इसके अंदर पोस्टिंग में फर्क क्यों आ रहा है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, इसको ट्राई आउट करके आपका मैसेज आ जाए। मैसेज आ गया जी क्या? इसको थोड़ा ट्राई आउट तो करें पहले। चले जी, टॉपिक्स टू डूज आ गए ओके, और बिल्कुल मैसेज आ गया है। नहीं, यहाँ पर शो नहीं है, वहाँ से नहीं हमने पोस्ट किया, ये आ गए पोस्ट के अंदर। नहीं इसको पोस्ट को क्लिक करें पोस्ट दोबारा करेंगे से, फिर से अभी ट्राई ट्राई इट ट्राई आउट पे आउट क्लिक करें, करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग में मैसेज चेंज करें, कोई कंटेंट चेंज करें, कुछ और लिखें, स्ट्रिंग ही होना चाहिए। एग्जीक्यूट कर दें। अब मैसेज चेक कर लें जाके। जी सर, जी सर, हो गया। अच्छा अभी जो है ना, अभी जो इंटायर फोकस है मुंबई का भी और हमारा भी, वो ये है कि ताकि सब लोग जो है ना वो ऑन बोर्ड आ जाए इस लेवल पर, जल्द आ जी जाए जी सारे, ताकि जो है ना हम आगे बढ़ सकें, वरना हम यहाँ पे बिल्कुल स्टक हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। महबूब बीच में रह गए, महबूब अगर आप करना चाहें तो पहले आप कर लें, उसके बाद सलमान आपको देते हैं बारी, ठीक है?
हाँ श्योर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम साहब, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। जी सर हो गई है शेयर। ठीक है, सही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर एक मिनट, ये सर मैसेज में ये सारे आ रहे हैं, शो हो रहे हैं सर टॉपिक्स में मैसेज। तो ये काम आपका जबरदस्त चल रहा है। अब आप ये लेकिन बताएं कि बाकी लोग भी ना सेम प्रॉब्लम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। बाकी कितने ऐसे लोग हैं वो सब अनम्यूट करके एक साथ अपना आपको अनम्यूट कर लें, जिनके पास सेम प्रॉब्लम आ रही थी कोर्स वाली, जो उनके पास आ रही है। ये जो इधर कंज्यूमर में मैसेज शो नहीं हो रहा है, इनका कंज्यूमर क्या नहीं हो रहा है? में मैसेज शो नहीं हो रहा, इधर टॉपिक्स में तो ये हो रहा है कंज्यूमर में शो थोड़ी ना। होगा मैसेज, मैसेज तो टॉपिक में शो होता है, यहाँ होता है शो, बस कंज्यूमर में नहीं होता। टूडूज में जाए, यहाँ पर टूडूज में जाए और मैसेजेस में चले। मैसेज सारे आपके पास आ रहे हैं, प्रोडक्ट के भी, टूडूज के भी आ रहे होंगे, वो भी आप चेक करेंगे, उसके भी आ रहे होंगे। अच्छा जी, आप अनशेयर कर लें। बाकी और कौन है? ये जून के पास क्या रह रहा है? जून के नाम से महबूब आलम के पास क्या रह रहा है? शफीक, सलमान, सलमान अहमद, सना, सलमान अहमद अगर भी शेख। स्क्रीन शेयर करेंगे। महबूब अभी म्यूट ये जो करते रहे, स्क्रीन आते शेयर रहे, कर रहा है इतना वो टाइम नहीं भी हमारे पास, वन बाय वन आते रहे, थोड़ा स्पीड में चलें। आगे। आगे। माज ने अनम्यूट करा, माज और सलमान बताएं। सर मेरे पास एक पाइथन का एरर आ रहा है, हाँ, तो एरर बताएं मुझे क्या आ रहा है। एरर ये बता रहे कि पाइथन 3.12 फेल टू डू रिक्वेस्ट, फिर आगे हेड है ये और ऐसा क्यों? हमें तो कंपोज की सिर्फ कमांड चलानी है। शेयर करें आप, ऐसा क्या कर रहे हैं जो एरर आ गया? स्क्रीन शेयर करें। सर भी स्क्रीन दिख रही है। सर हाँ जी, देख रही है। आपने बस कंपोज अब माइनस जी की कमांड चलाई है। कंपोज अब माइनस डी की आपने कमांड चलाई है। रजिस्ट्री का आपके पास एरर आ रहा है, डायरेक्टली कनेक्शन बिकॉज नो एच टी टी पी प्रॉक्सी रिजॉल्विंग आयो रजिस्ट्री टोकन नो सच होस्ट। और इंटरनेट वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इंटरनेट सही चल रहा है आपके पास? आपके पास ना मेरे ख्याल से लिमिट फुल हो गई डाउनलोड की, ये इशू नॉर्मल है, ये आ जाता है। डॉकर डेस्कटॉप पे आपके पास अकाउंट लॉगिन है या लॉग आउट है अभी डॉकर डेस्कटॉप पे? सर लॉगिन है। हाँ, तो लिमिट फुल हो गई है आपके पास। नॉर्मल होता है क्या, एनोनिमस यूज़र की लिमिट कम होती है और लॉगिन यूज़र की लिमिट ज़्यादा होती है। तो आप तो लॉगिन है ऑलरेडी, तो आपकी फुल पूरी लिमिट एंड हो गई है। अब आप कल ट्राई करें इसको, या तो कोशिश करें दूसरा कोई अकाउंट लॉगिन है तो अकाउंट है तो उससे लॉगिन कर लें। तो आपके पास ना इमेज पूल की लिमिट ख़त्म हो गई है, ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये चल जाएगी। अच्छा सर, वैसे अभी ये वाला एरर मेरे को नहीं आ रहा था, मैंने भी किसी रिस्टार्ट किया है, उससे पहले मेरे पास एरर ही आ रहा था कि डॉकर कंटेनर अप हो रहा था, लेकिन जब मैं ब्राउजर में यूआरएल लिख रहा था मुझे ब्राउज कुछ भी शो नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हुआ था, आपने माइनस माइनस बिल्ड चलाना है। आप माइनस माइनस बिल्ड चलाओगे तो नई इमेज बनाएगा, और नई इमेज बनाएगा तो वो पुरानी हो, आपके पास कोई और इमेज बनी हुई है। जैसे मेरे केस में हुआ था, जब मैंने जैसे चलाया ना, मेरे पास कोई पुरानी इमेज थी वो चल गई थी, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लास में कॉन्ग का एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो जिस जिसने कॉन्ग की आई वो चलाई है ना, उसके बाद सेम नाम का दूसरा कंटेनर बन रहा था, और वो आप यहाँ पर चलाएंगे तो सेम नाम सा पुराना यूज़ हो जाएगा। तो इतनी माइनस माइनस बिल्ड का टैग चलाएं ताकि वो नया बन जाए, इसलिए ये रहा था आपके पास। समझ गया? सही, मैं ट्राई कर लेता हूँ। सही, अभी तो आपके पास दूसरा एरर है, वो पुल की लिमिट खत्म हो गई है। ओके सर, हेलो, सही है। और बाकी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, अमीन भाई मेरे पास मसला ये आ रहा है कि मैं जो है ना, जैसे ही अपना डॉकर कंपोज रन करता हूँ तो यहाँ पे जो पोस्टग्रेस की जो सर्विस बनी हुई है ये नहीं चलती है। इसकी वजह से जो है ना मेरा सारा डॉकर कंपोज जो है वो फेल हो जाती है, सारी कमांड जो है दिखाएं, एरर दिखाएं। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर
स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? कंपोज यामल खोलें सबसे पहले, कंपोज बिल्कुल यामल सर में खोल नजर लेता आती है। हूँ जी। ये आपने कमेंट क्यों करी हुई? ये एरर आ जाता है ना मेरे पास, इसकी वजह से मेरी सारी वो क्या कहते हैं कंटेनर रन नहीं होता मेरा। अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ, और टॉप पर है, पता है कि हुआ आप डिफॉल्ट वाली यूज क्यों नहीं कर रहे जो हमने बना के दी, व्हीकल ऑन करवाई हुई वही यूज किया है, वही तो है ये। है? अच्छा टॉप पर है, टॉप पे अच्छा इसको ये भी फिर मैंने डिपेंडेंट भी कमेंट किया हटा ये दिया जी, आपने। नहीं ये कोर्स में दोनों ये भी जब ये बनती नहीं है मेरी कंटेनर ही नहीं नहीं आप बनता अभी तो आप जाहिर सी एक बात काम है चलेगा करें, भी नहीं। ठीक आप अपडेटेड है सर, वाली इमेज उठाएं। सलाम वालेकुम, ओके अल्लाह हाफिज। हाफिज आप अपडेटेड वाला कोड उठाएं, आपके पास कोड पुराना वाला है। चलते हैं, थैंक यू सो मच। आप जाने अच्छा ये चलें ठीक है। शॉर्ट, अच्छा ठीक है? वो जो आपने क्लोन करने के लिए दिया था वही वाली ना? हाँ वो आप वहाँ से अपडेटेड उठाएं और अपडेटेड को चलाएं, वो चल जाएगी। ये आपके पास बहुत पुरानी है, चलें ठीक चलें मैं है वो ना? चलाता हूँ। चला ठीक है, ठीक वो चल ठीक। और किसी के पास? हाँ चलो ए बी सी है हमारे पास, एक अब्बू शहजादे हैं। सर, मेरे हेलो पास कॉम जी जी बताएं, और इसका अपडेट का मसला आ रहा है, किस चीज़ की अपडेट का? इसी में मैंने अपडेट का फंक्शन लगाया उसमें मसला आ रहा है। अच्छा बी सी की अपडेट चल रही है ना, वो तो सही है, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा नहीं और नहीं कोई? जी नहीं पीसी का बताएं। अपडेट नहीं, इसी इसी एप्लीकेशन में आपने तो सिर्फ ऐड करवाया ना, मैंने एक और फंक्शन ऐड किया है, एक राउट ऐड किया है अपडेट का, अच्छा आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं देख तो लेंगे, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं सबके पास एटलीस्ट प्रोजेक्ट चल जाए, फिर हम आगे फर्दर चीज़ों को देखेंगे। प्रोजेक्ट वैसे भी ठीक है। तो आपका चल सलामुअलैकुम रहा है ना, तो सर, आप हैंड प्रोजेक्ट चल रहा है तो हैंड कर दें। हाँ जी डेस्ट कर वालेकुम दिया सलाम, ठीक है, वालेकुम सलाम। जी, मेरा ये स्मूथ चल रहा है, कोई मसला नहीं है, मेहरबानी। अच्छा आपके पास भी सही है, आपने फिर हैंड कर दिया। और हमारे पास मास, आपका हैंड नहीं हुआ, अभी आपके पास जी दूसरा इशू था। अब्बू शहजाद आपका भी नहीं हुआ हुआ हैंड, देखा शफीक आपका भी नहीं हुआ हुआ, अहमद अली आपके पास बताएं, अहमद अली मेरी आवाज और आ अली रही सर है? भी आ हेलो रही है। अहमद अली और जी, अली सर अच्छा आप मैंने बताएं अभी क्या स्क्रीन प्रॉब्लम शेयर है। की थी, मेरे पास जो कोड जो है वो रिलीज नहीं कर रही, पोर्ट एक्सेस नहीं हो रही। दोबारा दोबारा शेयर करना। शेयर कर, मैंने इसको दोबारा डिलीट करके दोबारा भी पुल किया, फिर भी इशू आ रहा। सर डॉकर डेस्कटॉप पे जाके दिखाएगा जरा, ये जो छोटा एरो लगा हुआ है साइड में, इस पे क्लिक करेंगे ये टेम्पलेट 01 से जस्ट पहले। यस सर, आपने सिंपल वही फाइल कॉपी की थी ना, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं, नहीं किया, या मैंने फिर कोई अभी वो फाइल और दोबारा कंटेनर्स भी डिलीट आपने करके फाइल इसको मैंने दोबारा पुल किया है, उस दोबारा पेस्ट से करके ज़्यादा दोबारा आपके पुल जो किया कंटेनर्स उस टाइम पर अप होते हैं ना, जो आपके कंटेनर्स अप होते हैं उस टाइम पे, उनका मसला होता है, है। मैंने जो जो मेरे पास कंटेनर्स पहले सारे चल डाउन रहा था ना करते हैं। कोड, कोड मेरे पास जो पहले चल रहा था उसको मैंने रिमूव कर दिया था सब, फिर मैंने दोबारा दोबारा गेट पुल करके वहां से फिर दोबारा इसको वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, फिर दोबारा चलाया, फिर भी नहीं मिला। यहाँ से 8000 के लिंक पे जाते हैं तो क्या होता क्या कर रहा है डीसीपी और सेंट्रल मिनिस्टर का फोन ही उठा रहा है कि खबर बाहर ना जाए, पुलिस को अंदर भेज और उन्हें बाहर निकाल, हो सकता है मैं संभाल लूंगा। है? जान भाई म्यूट कर लें अपने आपको।
फ्रेश वाटर लेता हूँ। सर आप ये सुन रहे हैं? प्लीज नोट फॉर्म। मीन भाई कुछ समझ आती है? अच्छा सॉरी, मैंने वो मोबाइल से कनेक्ट करा है, लैपटॉप हटा के। अब मुझे दोबारा बताएं आपने क्या बताया। मेरा ही जो 8,000 पे जो है ना, ये फोन नहीं हो रहा। तो वो दिखाया मैंने डॉगर कंपोज का स्टेटस। डॉक्टर डेस्कटॉप पे? हाँ हाँ वो टर्मिनल में जाए। नहीं, टर्मिनल पे जहाँ पे आपने कंपोज अप किया है ना, वहाँ पे, वहाँ क्यों कह रहे हैं? तो मैंने जो पहले जो फाइल मेरे पास थी, जो मैंने कोड पुल किया था, उसको मैंने रिमूव करके दोबारा पुल किया, और दोबारा पुल गेट पुल करके दोबारा पुल किया। हाँ वो ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कंटेनर्स के दरमियान आ रहा है। आपकी पुरानी रिपोजिटरी नई रिपोजिटरी का मुझका नहीं है। थोड़ा सा वेट कर ले अमित भाई, अभी देख रहे। आपने कंपोज अप माइनस जी चलाया है, सर्वर आर रिटायरिंग, फाइल हैज ऑलरेडी बीन क्लोज। सही है, फिर सर्वर आ रहा है, फिर ने बिल्ड करना शुरू कर दी है। दिखाया नीचे का स्टेटस, दिखाया बिल्ड जो कर दी अपडेटेड वाला। सबसे डाउन पे चले हैं, क्रिएटेड भी हो गया है। डॉकर कंपोज पीएस, डॉकर कंपोज, उसके बाद लिखें लॉग्स और आगे लिखें पीआई। उल्टा कर दे, एपीआई लिख के। नहीं, लॉग्स के बाद एपीआई लिखना है। आ रही है। हेलो, हाँ
स्क्रीन तो आ रही है भाई, शायद बिजी हो गए हैं। कनेक्टिविटी फेल हो रही है आपकी, ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो रही है। एप्लीकेशन का इशू आ रहा है। आप एक काम करें, कंपोज फाइल मुझे एक बार दिखाएं, उसमें ऐसा क्या है जो आपका कंपोज डॉट यमल दिखाएं। बिल्कुल बॉटम पे, सेकंड लास्ट पे। पोस्टग्रेस जीपी की पे आ रही है, डीबी ब्रोकर भी आ रहा है और नीचे है मोंगो डीबी का, पोस्टग्रेस डीबी का वो देखा। अच्छा ऐसा कुछ है तो नहीं इसमें। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मेरे पहले जो फाइल थी वो भी मैंने डिलीट करके दोबारा इसको नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ। एक काम करें आप ना, पूरा क्लीन अप करें, इसकी इमेज भी रिमूव करें, कंटेनर भी रिमूव करें, इसका वॉल्यूम भी रिमूव करें। मुझे ऐसा लग रहा है पोस्टगेस डीबी का ना वो कोई आपका पुराना यूजर नेम पासवर्ड डला हुआ था, वो सेट होके जा रहा है। इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करी ना आपने कोड में, मतलब ENV में, .env है आपके पास में जाए। मैंने दोबारा रिमूव करा है, दोबारा इसको फिर फाइल को मैंने दोबारा गेट पुल करके दोबारा हाँ, इसको तो मैंने ऐसा कैसे ENV का नंबर वो लगा। हो सकता है इनका PS5 कॉपीज ऑपरेशनल एरर आ रहा है, क्योंकि उसमें PS5 कॉपीज का एरर दे रहा है वो, उनके ड्राइवर में PS5 कॉपीज नहीं है शायद इनके पास। थोड़ा एलिब्रेट करें, आप क्या चीज़ बता रहे हैं। सर जो एक होता है ना हमारे पोइट्री के अंदर PS5 कॉपीज ड्राइवर डाला जाता है जो हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करता है, वो मेरे ख्याल से इनका वो वो उठा नहीं रहा। स्टॉल आपके ना सही से हुआ नहीं है, वो स्टॉलेशन होते हुए। हाँ, क्योंकि वो जो एरर रिप्रेजेंट कर रहा है ना PS5 कॉपीज के लिहाज से दे रहा है। अच्छा डॉट ई एन वी में जाए आप, डॉट ई एन वी देखें। यहाँ पे सही डाल रहा है ना यूजर नेम, हाँ पासवर्ड सही जा रहा है, यहाँ तो मतलब नहीं है। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, जो पुरानी फाइल थी वो हटा दी मैंने, दोबारा इसको पुल करके दोबारा इसको वही बिल्कुल सेम फाइल सर वाली फाइल दी है, बिल्कुल भी चेंज नहीं। नहीं, आप एक काम करें आप ना वॉल्यूम डिलीट, पहले तो कंटेनर सारा मैं डाउन दोबारा करें, सारे इमेजेस और इमेज रिमूव कंटेंट करें और वॉल्यूम भी रिमूव रिमूव करने करके साथ। दोबारा करता हूँ फिर। हाँ, अच्छा वॉल्यूम भी कर दें ताकि इनकेस वॉल्यूम से कोई चीज़ उठ के आ रही है पुरानी वो भी चले जाए, और फिर आप वॉल्यूम इसको भी चला डॉकर से लें। ही रिमूव होगी। बिल्कुल हाँ, और डॉकर पे जाएंगे ना वॉल्यूम सारे तो वो डेस्कटॉप से ही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा करके अच्छा, इसको। बाकी और कोई? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा पोल्ट्री का एरर आ रहा है, बताएं मैं स्क्रीन शेयर करूं? रहने कर। अच्छा एक बार बिल्कुल तो मैंने जब कॉन्फ़िग डॉकर कंपोज अप किया है ना, तो मेरा पोल्ट्री का एरर आ रहा है। अच्छा अगर मैं टमल की फाइल को बाहर निकालती हूँ ना, मींस कि मैं अगर इधर रख देती हूँ तो फिर मसला नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ये दोनों जो टमल्स की फाइल है ना, इन दोनों में वो पोल्ट्री का एरर दे रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो सारी सही हैं। कंपोज में जाए, कंपोज मैंने सारे कंटेनर्स भी रिमूव कर दिए थे। अच्छा, नहीं, कंपोज डॉट यमल में जाए।
आपके पास डिपेंड ऑन भी ना पुराना वाला आ रहा है, मेरे ख्याल से नया वाला तो नहीं आ रहा आपके पास। आप ना कोड दोबारा पुल करें, नए कोड के अंदर हमने डिपेंड ऑन में दो चीज़ें हमारी, आपके केस में एक आ रही है, आपके पास पुराना कोड है। लास्ट क्लास से मैंने किया था, 4-5 दिन पहले मैंने इसे अपडेट किया था, और अपडेट हो गया। हाँ अपडेट नहीं, उस अभी तो नजर नहीं आ रही अपडेट, अभी पुराना नजर आ रहा है। आपसे पुल की कमांड चलाएं जो मैंने शुरू में चलाई थी ना, जरूरी नहीं है दोबारा डाउनलोड कर, नहीं करना, उसी में जाके ना जो आपके लर्न जा जनरेटिव AI की रेपो है उसमें डॉकर पुल की कमांड चलाएं तो आपका अपडेटेड कोड आ जाएगा, फिर वहां से उठा लें दोबारा फोल्डर। अच्छा तो वैसे ना मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि जब भी कोड करना शुरू करें ना, जब भी आप बैठे ना दिन के स्टार्ट में, आपने गिट पुल जरूर रन करना है, और जब भी आपने सबमिट के जाना है ना, तो आपने कमिट करके जाना है और पुश करके जाना है कोड, ये अपनी प्रैक्टिस बना। हमारा अच्छा सर, ये जो है ना, ये 5/31/2024 की लर्न जनरेटिव AI की रेपो एग्जर्ट की हुई को वापस से एग्जर्ट किया जा रहा है, तो इसको देख लीजिए, डेट पुरानी है। दूसरा कर लो मैं। नहीं आप उसी के दूसरा नहीं करें, उसी के फोल्डर में जाएं और गेट पुल की कमांड चलाएं। अच्छा CMD ऊपर खोलें, गेट पुल की कमांड सर, चला। ये वाला तो है, लेकिन ये पता नहीं खाली क्यों शो करवा रहा है ना किसी। हाँ ऊपर CMD खोल के गेट पुल की कमांड चला। अच्छा, इसका मतलब है गेट इंस्टॉल्ड नहीं है आपके पास, इंस्टॉल्ड है है तो गेट मेरे पास इंस्टॉल। इसका तो फिर ये के रूट पे सेट नहीं हुआ हुआ। डेस्कटॉप हुआ जी यहीं से कर लूं। यहीं से कर लें, शो एंड एक्सप्लोरर कर लें, वहां से कॉपी पेस्ट कर लें। इसके अंदर जाके CMD में जाके, फिर उसके बाद डॉक्टर कंपोज अप -D, लेकिन उससे पहले डेस्कटॉप पे देख ले, डॉक्टर डेस्कटॉप पे देख ले तमाम कैंडिडेट्स डाउन।
इसको ओपन कर लूँ वीएस में, किसी को सीएमडी में करूँ? सीएमडी में कर लें कंपोज, कॉन्फिग की कमांड चलाएं, डॉकर कंपोज के माइनस डी की कमांड। अच्छा कॉमन फिर इश्यू सबके पास, आपके पास का मैं बता देता हूँ सबके पास इश्यूज क्या क्या हैं जो लोग स्ट्रक हो रहे हैं। पहला इशू ये है कि जब आप डॉकर कंपोज की कमांड चला रहे हैं तो कुछ लोगों के पास इश्यू ये है, उनके पास इमेज पहले से बनी हुई थी। जब इमेज पहले से बनी हुई थी तो जाहिर सी बात है वो पुरानी इमेज उठा के चला रहा है, पुरानी इमेज में कुछ भी हो सकता है। तो आपने माइनस माइनस बिल्ड चलाना था, तो अगर किसी के पास इशू ये आ रहा है कि लोकल 8000 में चल ही नहीं रही है एप्लीकेशन या कुछ मसला आ रहा है, तो माइनस माइनस बिल्ड से आपने चलाया ये मेक श्योर कर लें कोई पुरानी इमेज नॉट का आ गई। एक काम तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, सम टाइम ये होता है जब डॉकर के ज्यादा पुल आपके पास चलते हैं तो आपके पास लिमिट खत्म हो जाती है इमेज पुल करने की, तो दूसरे दिन आप चलाएंगे तो लिमिट आ जाएगी, उसका मसला नहीं है, लेकिन अभी खत्म हुई होगी। तो अगर किसी के पास होस्ट इस तरह का एरर आ रहा है लिमिट खत्म हो जाती है तो उसमें आता है वो, आप गूगल भी करेंगे कॉपी करके उसको आपको समझ में आ जाएगा ये लिमिट का एरर। ये दूसरा एरर हो गया हमारा। तीसरा एरर हमारे पास है, तीसरा एरर हमारे पास ये वाला है कि एक तो लिमिट का एरर आ गया, तीसरा एरर ये वाला है कि हमारे पास आपके पास कोई पैकेज ऐसा है जो चल रहा है लेकिन उसमें आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ मिस है, कुछ मसला आ रहा है, कुछ एरर है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपने ट्रबल शूटिंग करते वक्त कुछ चीज़ें चेंजेस करी हैं, कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, या आपके पास पुराना कोड है। पुराना कोड और नए कोड की एक छोटी सी पहचान ऐसे रख लें, डॉकर कंपोज में जाए जो एपीआई वाला पोर्शन है ना उसके अंदर डिपेंड्स है, डिपेंड्स में दो चीजें रखी हैं, एक हमारे पास पोस्टग्रेस रखा हुआ है, एक ब्रोकर रखा हुआ है। तो ब्रोकर हमने सबसे लास्ट में ऐड करा था डिपेंड्स में, तो इसका मतलब अगर आपके पास कोड जो है वो अपडेटेड है तो आपके पास ब्रोकर भी होना चाहिए। तीसरा इशू हमने ये देखा, चौथा तो इशू ये देखा जब एपीआई चल गई है, चलाने के बाद कुछ लोग लोकल उस पर चला रहे हैं, इवन हमें लोकल उस पर नहीं चलाना है, हमें चलाना है आईपी पे चलाना है 127.001, क्योंकि हमारे सर्वर के अंदर भी सेम आईपी लिखी हुई है। वहाँ पर ना ओरिजिन का प्रॉब्लम होता है कि हमने सिर्फ अलाव ही करा हुआ कि 127.001 वाला चला सकता है, बाकी लोग चला नहीं सकते, तो कोड्स का एरर आता है। तो अगर कोड्स का एरर आया ना टूडू ऐप चलाते हुए तो 127.001 वाला इशू देख लेना। एक बार वो हो गया तो आप काफका में जाए, काफका में जाने के बाद दूसरा जो काम आप करेंगे वो क्या करेंगे कि आप जाके बस ये देखें आपका मैसेज आ रहा नहीं आ रहा, वो मैसेज जाने के लिए टॉपिक में जाना है, टॉपिक में जाके मैसेज में जाना है, मैसेज में जाने के बाद आपने ऊपर ये देखना है कि नीचे मैसेज आ रहा है और वो सक्सेसफुली आ रहा होगा अगर डेटा पोस्ट करा है। हाँ अगर डेटा पोस्ट नहीं करा आपने एपीआई से तो मैसेज में जीरो आ रहा होगा, अदरवाइज मैसेज आ रहा होगा। काफका में जाने के लिए काफका जो है लोकल 8080 पे है। तो ये कॉमन इशूज हैं सबके पास, होपफुली उम्मीद है कि ये लोग सबको समझ में आ गए होंगे। अगर सबके पास कॉमन इश्यूज हैं तो आप लोग जो ना आप भी लोग हैंडल कर लें ताकि हम आगे वाले पर स्टेप पे बढ़ें और क्लास का टाइम थोड़ा सा हम हेल्पलेस का टाइम बचा लें। फिर भी अगर कोई एरर आ रहा है तो वो हैंड डेस्क नीचे रख के। जी पुरानी इमेजेस आ रही है, कॉमन इशू ये वाले ना को डाउन हैंड नहीं हो करते। रही है। पुरानी क्या कुछ चीज आ रही इमेजेस है? है वो डाउन नहीं हो रही है। हाँ वो डाउन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके पीछे ना कुछ चल रहा होगा, कंटेनर सारे पहले रिमूव कंटेनर करें सारे फिर रिमूव एक कर एक दिए चीज करके मैंने। सारी चीजें रिमूव। इसको इमेजेस डाउन करके डॉकर डेस्कटॉप बंद करके दोबारा खोल लें, उसका प्रोसेस जो चल रहा है वो शायद हो सकता है कोई प्रोसेस अटक गया। ये बहुत पुरानी अब ये वाली इमेजेस है। एफर्ट्स कौन सी एफर्ट्स हैं जो हम हेल्प डेस्क में कर रहे हैं? इससे ना एक चीज हमें जवाब मिल रहा है, आप में से काफी लोग ऐसे हैं 50% जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना तो बहुत सारे एरर्स आपके प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएंगे। अभी आप ये करें कि लेकिन ये पुरानी इमेजेस है। अगर कोई इररिलेवेंट इमेज है, कोई और पुरानी कोई इमेज है जिससे कोई लेना देना नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, अगर यही वाली इमेज है जिस पर हम काम कर रहे हैं तो फिर मसला है। कौन फिर भी सही है मसला नहीं कौन है, आप सही माइनस है माइनस बिल्ड कौन के चेक से सही अलग चला देना, तो माइनस माइनस बिल्ड जब है। चलाओगे नहीं बन पाएगा। सही है। बाकी आहद अहमद आप लोग आए, अनम्यूट करें। आहद अहमद अहमद अली अलीजर एफ अलीजर मेरे पास शुरू से, मेरे ख्याल से इनसे बात नहीं हो रही है।
सुमैया और शाफिक आ गए। जी जी सुमैया पोएट्री इंस्टॉल हो रही है। सही है, आप वो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखें। और शाफिक हेलो जी बोले। सर, मेरे पास ये इशू आ रहा है। सर क्या इशू आ रहा है? अपना 1 से 7 0 0 5 ये चल नहीं रहा है सर। क्या चीज़ नहीं चल रही, थोड़ा बताएं तो। ये कंपो बिल्ड वाली कमांड चलाई है और यूआई में उधर अपना कैनवास पेज आ रहा है। सर यूआई में क्या आ रहा है दिखाएं, शो करें, दोबारा मैंने बताएं क्या चीज़ आ रहा है। शेयर करता हूँ सर। ये तो अभी किसी की शेयर स्क्रीन है, अनशेयर कर लेना। आप अपनी शेयर करें जो आप बता रहे हैं। मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग कि ये जी प्रोसेस कंप्लीट ये होने दो। आप नहीं, स्टॉप कर स्टॉप दें, वो कर सारे स्टेप्स को फॉलो कर लें जो आप पता है कि इसके आगे क्या करना है। जब जी तक क्या वो जी करें तब ये तक क्या से कंप्लीट तो हो गया। चले मैं नेक्स्ट कमांड भी चला कर दिखा दूँ आपको अगर 1 मिनट दें तो। नहीं, मैं अभी स्टॉप दूसरे कर लोगों दूँ को दे देते हैं, आप स्टॉप कर दें। जी ना। ठीक जी आप शेयर शेयर जो अभी आए थे शफीक। हाँ जी क्या दिखा रहे थे आप? ये सर, ये और ये ब्राउज़र दिखाया ना, ब्राउज़र भी वाली एक्टिविटी दिखा। हमारी पोर्ट क्या है जिस पर हमने चलाई है? डिफ़ॉल्ट है ना हमारी, तो 8000 है। ये वहां जाए सीएमडी में। चलाएं डोकर कंपोज लॉग्स एपीआई। लॉग हाँ लॉग्स एपीआई। आप अपना कोड दिखाएं, मुझे डोका कंपोज की फाइल दिखाएं। जिसमें चीजें चेंज क्यों हुई हैं? आपने सिंपल वाला चला के नहीं देखा, चीजें चेंज है इसमें। नहीं, लास्ट टाइम जो सर आपने करवाया था फ्राइडे को वहां से आगे शुरू किया है। सर नहीं, फ्राइडे से आगे का है ये तो चेंज है आपका। हमारे पास एपीआई बनी हुई है, कोई दोबारा दूसरा करूँ स्टेप तो इसको? कॉपी नहीं कर लिया आपने? कोई जी सर दूसरा स्टेप तो कॉपी नहीं कर लिया? हमारे पास ये वाला कोड नहीं है, हमारे पास स्टेप 02 वाले चला रहे थे हम। सर इनका इसके एरर अंदर क्या है? तीन सर ये रियान का कोड कॉपी कर रहा है, रियान सर का क्लास फॉलो कर रहा है। एरर रेजोल्यूशन में मैसेज जा रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सब सेम तरीके से चलाएं ताकि हम फास्ट इसको कर लें, वरना एक एरर में ज्यादा टाइम लग जाएगा रिजोल्व करने में। ठीक है, दोबारा जीरो कॉपी करते उसी को संदेश में। ठीक टू पे जाए ना, आपने गलत स्टेप कोई कॉपी कर लिया, आप स्टेप 02 उठाए वहां से। है सर, सही है ठीक है समझ गए। सही है। बाकी दूसरा कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप कट कर रहे हैं, दूसरा किसका एरर है, आप स्टॉप कर लें।
और कौन है? मैंने वालेकुम सलाम जी। ये पूछा ये हाथ की स्ट्रेटजी क्या, जिनका सवाल हो गया वो खड़े करें या जिनका नहीं हुआ वो खड़े करें। अच्छा हंडे हम उनसे करवा रहे हैं जिनके पास प्रोजेक्ट चल गया है, मतलब उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उस पे डेटा आ रहा है, बस टू 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 का डेटा आ रहा है। एहसान आप हो अभी अवेलेबल हो आप? चलो नहीं मैं अभी वाली बोल आपको भी मैं कोई कोर्स बना रहा हूँ, आप भी सबकी हेल्प कर रहा हूँ, सही है ना? सही। अच्छा हमारे पास एहसान भी हैं और अशर भी हैं, दो लोग हैं। तो बाकी लोग अपने एहसान सबसे ना वन बाय वन बाय नेम पूछते रहो, किसी का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एरर हो तो उनको थोड़ा सा होल्ड करना ताकि बाकी लोगों का जल्दी हो जाए, उनको आखिर में देख लेंगे। और सबको सेम प्रोसेस चलाना है, और प्रोसेस से हम चलेंगे ना उससे ये फ़ायदा होगा कि इशू जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो जाएंगे। वन बाय वन सबसे पूछना शुरू करो, सना वही शायद ठीक है, वकार असलम, वकार वसाम उर रहमान है। वो जो स्टेप नंबर 2 है वही चलाना है। हाँ स्टेप नंबर 2 चलाना है हमें, उसके बाद हमें क्या करना है, डॉक्स में जाना है, डॉक्स में जाके हमें देखना है वहाँ पर टू डू की एपीआई, टू डू की एपीआई पोस्ट करनी है, फिर हमें जाकर काफ्का की वाई पे जाके देखना है जब हमने पोस्ट करा वो डेटा काफ्का में आया नहीं आया, समझ गए? अच्छा अच्छा ठीक है सर। और जब ये सबके बाद चल जाए ना उसके बाद हमें दूसरा काम ही करना है, उनका पोर्ट ना डॉकर डेव कंटेनर में खोलना है। डेव कंटेनर आपने चला लिया एहसान? हाँ वो तो मेरा चल गया, वो तो मेरा ये वो जो आपने वॉल्यूम माउंटेन की है ना जी उससे मुझे डेफ कंटेनर में खोलने की जरूरत ही नहीं है, वो मेरा अपने आप जो है बिना डेफ कंटेनर नहीं के नहीं वैसे मेरे हम कंटेनर डेव में। कंटेनर में नहीं खुलवा रहे हैं क्योंकि आपके जी पास तो पोर्ट इंस्टॉल है ना, चीज़ें स्टॉल हैं तो आपको टेंशन नहीं है, बाकी लोगों के पास हो सकता है कुछ स्टॉल ही ना हो, पाइथन भी स्टॉल ना हो, चीज़ें अच्छा स्टॉल ना अच्छा हो, तो ठीक है फिर इसीलिए सही हमें है, वो हाँ डेव कंटेनर के अंदर जाके सारा काम करना है। सही, चलो ठीक है मैं वो देख। याले स्टेप के बाद ना डेव कंटेनर करवाना, वन बाय वन सबसे पूछना शुरू करो, जब ये सब बता देना आपको कि किसके पास क्या क्या चल गया, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करके डेव कंटेनर वाला स्टेप करवा दो एक। ओके ठीक। जी तो भाई यहाँ कौन है जो जिन जिन लोगों ने हैंडल नहीं करा उनसे पूछना है ताकि वो लोग एक लेवल पे आ जाए। अहमद अली भाई सर सलमान का मसला हल नहीं हो गया था? इसका तो सलमान भाई ने सलमान हाथ तो उन्होंने तभी तो हैंड रेस किया भाई कि उनका रिजॉल्व हो गया। अच्छा सलमान अहमद यमानी का मेरे पास हैंड रेज नहीं आ रहा। अच्छा चलिए यमानी का, ठीक है, मैं सिंपल सलमान अहमद की बात समझ रहा हूँ, यमानी का तो मेरे पास भी नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 सलमान अहमद आ रहे हैं। अच्छा मोहम्मद शफीक का भी मसला हल नहीं हुआ अभी तक? आगे अगर कोई यार अमीर 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 रशीद भाई हैं जिन जिनका अगर एरर सॉल्व हो गया वो हैंड रेस कर दें ताकि अच्छा आप फिर दोनों अच्छी। इसको टेक ओवर करें, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे गवर्नर हाउस से मूव होना है दूसरी लोकेशन पे, चलो ताकि चलो मैं कोई आपको नहीं इसको ठीक मैं कंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, वैसे है सर कासिम ठीक। साथ हैं, जब कंप्लीट हो जाए ना तो सर कासिम आपको गाइड कर देंगे सेशन एंड वगैरह करने के लिए। ठीक है। सही। अगर किसी को भी एरर्स वगैरह आ रहे हैं बिना झिझक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और अपना एरर कहना शुरू कर दें। जी ऐसे अब सबका नाम लें, दैल जो है नसीम परवेज भाई। हेलो जी जी सलमान सर, मेरा जो एरर था लिमिट का, वो मैंने जो पीसी रिस्टार्ट करा तो वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद कंटेनर अब तो हो गया बिल्कुल मेरा, ठीक है। लेकिन जब 127.0 वाली यूआरएल पर जा रहा हूँ तो पेज इज़ नॉट वर्किंग शो कर रहा है। स्क्रीन शेयर कर लें और आके आ जाए, जैसा कि कहा ना अभी मैंने, जल्दी जल्दी करें, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा देर तक इस इशू पे। और सही है, जरा लॉक चेक करते हैं एपीआई के। आप पे जो ये एपीआई इसके लॉक सेट करें, आप कौन कौन चला रहे हैं। नहीं मैं सिंपल जो सर ने भी करवाया था वो कर रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल ठीक है, डॉकर कंपोज लॉग्स और एपीआई लिखकर जरा एंटर करें कंसोल पे। API 1 अगर आपकी API 1 के नाम से तो लॉग्स प्लूरल में होगा।
ऑल माइनस एफ भी लिख दें। नहीं, वन नहीं है मेरे ख्याल से, वन नहीं है, सिर्फ एपीआई है। एक 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 बार आप कंपोजी फाइल चेक कर लें। अच्छा नहीं है तो सही है। एंटर करूं? जी, उन्हें डिपेंडेंसी का इंजेक्शन नहीं दिया हुआ तभी आ रहा है आई थिंक, क्योंकि इनका जो काफा कनेक्शन का का मसला आ कनेक्शन रहा है। का भी आ रहा है नेट का, और कंज्यूमर को जो है वो नहीं मिल रहा, यानी कि इनका काफा का कंटेनर बाद में चल रहा है और एपीआई का पहले चल रहा है, तो जिस वजह से उनको ये जो ब्रोकर 19092 है वो नहीं मिल रहा। कंपोज, आपने कंपोज कॉन्फ़िग की कमांड चलाई थी? कंपोज कॉन्फ़िग नहीं, कंपोज कॉन्फ़िग चला लें, अगर वो ओके रन होती है तो फिर कंपोज की फाइल हमें दिखा। और जो ये कनेक्शन का एरर है इसका तो ये मसला है अच्छा कि नहीं, डॉकर कंपोज कॉन्फ़िग, डॉकर कंपोज। हाँ, कनेक्शन का एरर तो भी है कि डॉकर। नेट की वजह से मे भी होता है, क्योंकि अगर आपका बीच में कोई नेट स्लो हो। ये तो सही है ये इनकी। ये तो ठीक कंपोज की फाइल खोले थे। उसकी बात तो सही लग रही है। दो ये एपीआई वाले में है ऊपर, सही तो सही डाली लोकल। थोड़ा सा ऊपर गया। ये इनका एपीआई वाला सही है, इनकी कंपोज की फाइल सही लग रही है। आपने कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं की ना इसमें से, कॉपी करके पेस्ट किया ना? मैंने आपसे पूछा था। सलमान भाई आपसे कुछ पूछ रहे हो भाई, कुछ आपने चेंजिंग वगैरह तो नहीं की इसमें? अच्छा भाई पूछ रहे हैं कि आपने जो ये फाइल है इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह तो नहीं की, या जो जस्ट कॉपी पेस्ट किया? हेलो जी आवाज जी, आ रही सर है मैं हमारी, आपकी आवाज आ रही है सॉरी हमारी। सर, मेरा वो माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट कोड ही है, मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी। अब सिंपल से कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद आप ऐसे कर रहे हैं। जी यही मसला एक और का भी है सर। अपना या ये इनका ये लॉग्स जरूरत वरत कहीं। नहीं, इससे पुरानी वाली कमांड जो आपने चलाई थी। ये डॉक्टर कंपोज लॉग्स वाली, जी, कंपोज लॉग वाली। सेम एरर आ रहा है। अरे एक काम करें ना, इनका मे भी क्योंकि इनका वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का भी इशू था, और ये कभी कभार ऐसा होता है कि कॉम का सर्वर जब नेट स्लो तो वो अगर स्लो चलता है तो वो ये तो इस वजह से भी आता है। एक काम करें आप डॉकर कंपोज डाउन करके दोबारा से अप करें। एक और बात कही थी हमारे एक अजीज ने कि जो साइको पीजी का क्या कहते हैं कि डिपेंडेंसी है, उसमें भी कभी कभी मसला आ जाता है, उसमें भी ये मसला आ जाता है। तो ये वैसा ही लग रहा है, वही मसला जो कि हमारे पीछे भी एक हजरत थे। मेरा सही हो गया, मेरा पीएस स्क्रीन करके रिकॉर्ड देखिएगा हो तो गया। हाँ
कैसे रिजॉल्व हुआ था डेटा? मेरे सारे जो मेरे इमेजेस वगैरह बने हुए थे वो मैंने सारे हटा के उतने भी रिमूव कर दिए थे। सही फिर दोबारा सही, से मैंने बिल्कुल ऐसा फाइल को करें, अभी अपना करें रिस्टोर सलमान, अभी अपना करें, अभी करेंगे छोड़ क्या कि ले। हम डॉकर डेस्कटॉप पे जाएंगे, डॉकर डेस्कटॉप पे जाके तमाम इमेजेस, तमाम कंटेनर्स डिलीट करेंगे, तमाम इमेजेस डिलीट करेंगे, वॉल्यूम्स डिलीट करेंगे, और उसके बाद करेंगे। ये किस चीज़ का एरर है, एक बार दोबारा मुझे अशोक भी बताएंगे। एक डिपेंडेंसी होती है साइको पीजी, उसके हिसाब से। अच्छा डॉकर डेस्कटॉप पे जाएं, डॉकर डेस्कटॉप पे, डॉकर डेस्कटॉप पे वॉल्यूम्स के सेक्शन में जाएं, ये भी सारे सेलेक्ट करके इनको भी एक दो तीन कर दें, ऊपर से एक से क्लिक में भी हो जाते हैं। खैर चले, सर इमेजेस को भी देख ले, इमेजेस को भी क्लीन कर लेते हैं, कोई काम की तो नहीं चल रही होगी ना, एक उपाय सर्विस। बस अब जरा जाके दोबारा करें, भी तो इनका सर टाइम लग जाएगा शायद, तो मैं खुद हाँ नहीं। चले, तो आप चलने दें इसको, बाकी नेक्स्ट जो भी है वो आ जाए, स्क्रीन शेयर करें। यहाँ सलमान है, जाजिल है, हाशमी और है, कुछ नसीम आजाद, अगर तो आपका हो गया है तो हैंड रेज कर लें, अगर आप दो अकाउंट से लॉगिन है तो दोनों अकाउंट से हैंड रेज कर लें। जाजिर नसीम भाई, हाशमी आपका भी मसला हल हो गया था एज फार एज आई रिमेम्बर, तो आप भी हैंड रेस कर रहे हैं, अगर आपका आप भी दो अकाउंट से हैं तो दोनों अकाउंट से हैंड रेस कर रहे जहीर उन हैं। निसा, अनाश सलमान सलमान भाई, वसाम उर रहमान, वकार असलम, अच्छा सना शाह, मेरे ख्याल से आप भी दो अकाउंट से अटेंड कर रहे हैं मीटिंग में, दोनों अकाउंट से हैंड रेस करना ताकि कंफ्यूजन खत्म। एनीवन एल्स के किसी को कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज़ आके डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं मिल सकेगी इस प्रोजेक्ट को एंड तक पहुंचाने। लगता है अशर भाई सबके एरर रिजॉल्व है, क्या एरर नहीं। अगर नहीं है तो फिर हैंड रेस कर लेना, हैंड रेस नहीं कर रहे, मैंने भी हाथ रेस किया हुआ भाई। भाई अगर जिसका एरर नहीं है रेस कर दें आप लोग, ताकि ये होगा आसानी होगी, मैं पता चल जाए कि आप लोगों का एरर नहीं है। जब व्हाट्सएप का नंबर मांग रहे हैं, मैं ग्रुप पर ही होता हूँ व्हाट्सएप के, अगर किसी को बात करनी है तो ग्रुप पर ही छोड़ दिया करें, या वहीं पर अशर तलाश कर ले, मेरे ख्याल से पूरे ग्रुप में मैं अकेला ही अशर। नहीं आई थिंक यहाँ पे ना क्वार्टर थ्री के भी स्टूडेंट हैं, हमारे बैच के भी स्टूडेंट हैं, अरे हाँ वो ना मांगा। सही सही सही, चले मैं एक हेलो काम ये करूँगा कि मैं सर से इजाज़त लेकर दूसरे ग्रुप्स में भी अपने आप को ऐड कर लूँगा, तो अगर किसी को कोई सवाल वगैरह पूछते हैं तो वहीं पे मुझसे पूछ। आई थिंक किसी का सवाल था जी बोले। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैंने दोबारा वो कंपोज जो अपडेट किया फाइल उससे जी चल गया है। जी कौन, अभी यस बहुत आपने बढ़िया, वो ठीक है बिल्कुल। सर तो वो आपने मैसेजिंग उस के पे काम जाके आता पोस्ट कर ली,
टू-डूज के लिए वो पहले पोस्ट कर लें, एक मरतबा आपकी जो पोस्ट की एपीआई है ना उसको ट्राई कर लें, ताकि आपका एक मैसेज चला जाए और जो कि टॉपिक में जाके सेव हो जाए। कहाँ जाना है सर, वो मैं भूल गया, कहाँ कैसे यही जाना है? नीचे, यही नीचे जो, यही नीचे जो स्लैश टू डू स्लैश क्रिएट टू डू का है जी, इसको क्लिक करें, जी सर, नीचे जाएं, इसको ट्राई इट आउट पे क्लिक करें। और एग्जीक्यूट मार देनी चाहिए यहाँ पर। वहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज कर दें कुछ, ताकि आपका कस्टम कोड हो जाता तो बेहतर था। यस, यहाँ आप पर शायद एरर दे दें क्योंकि आईडी चेंज कर दें, आईडी अब वन कर दें, डेटाबेस में भी सेव करवा रहे हैं यहाँ पे। जी मेरा नहीं जी ख्याल कि हम डेटाबेस में सेव करवा रहे, नहीं डेटाबेस में सेव नहीं करवा रहे। ठीक फिर तो है, नीचे मसला जाए, नहीं, वो काफ्का रिस्पांस यूआई में आ नहीं गया। देता है। चले ठीक है, अब आप ऊपर अब चले जाए, आप लोग 127.0.0.1 है ना, इसके 88,000 है, 8,000 की जगह 8080 पर चले जाए और आगे से पूरा लिंक गायब कर दे। नहीं, इसी को लगे रहने दे, एक और यूआरएल पे चले जाएं, इसी एक और ये नया भी कर टैब सकते खोल दे थे उस। लेकिन एक और टैब खोल लूं? जी 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 खोलने और चले वहां कर ले 127.0.0.1, ठीक है 8080 कर दे, 8080 बिल्कुल ठीक। ठीक है, जी यहाँ पे हम टॉपिक्स में चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक। टॉपिक्स में टू डूज नजर आ रहा होगा आपको, नीचे टू डूज पे क्लिक करें, टू डूज से मैसेजेस में चले जाएं। देखिए यहाँ पर आपके मैसेजेस आ गए, ठीक सर, ठीक हो गया। चले जी, हैंड रेज कर लें है सर, और स्क्रीन थैंक अनशेयर कर लें, यू सर, ठीक है सर। बस नहीं। जाजिल, बाज, नासिम, नसीम यार आप भाई, लोग के मसले। सना शेख, शेख भाई जान, एक शेख भी हैं, सलमान, एके अगर आप सब अवेलेबल हैं और सुन रहे हैं तो, अगर आपका एरर नहीं है तो हैंड रेस कर दें, ताकि फिर इजी हो जाए, और अगर कोई एरर आ रहा है तो स्क्रीन शेयर करके पूछ लें, या अगर आप में से जिनका हैंड रेज है, अगर उनमें से किसी और का एरर हो तो दोबारा देख सकते हैं वैसे। अच्छा भाई, हाँ बिल्कुल, अगर भाई देखें अगर किसी का हैंड रेज और 3P एरर आ रहा है तो आके शेयर कर दे, क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा। हमारी पहली चाह तो यही है कि सब ऑन बोर्ड आ जाए, लेकिन अगर ऑन बोर्ड वालेकुम नहीं आ पा रहे। जी जी अस्सलाम सर बिलाल, जी। वालेकुम मैंने सलाम। एक दफा तो हो गया था ये रन, हो गया था प्रोजेक्ट, काफी मैंने दोबारा ये किया है तो काफी टाइम हो गया। स्क्रीन शेयर कर दें और बता दें क्या। जी काफी सर, अच्छा, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है ये कह रहे हैं आप। ये शो आपका बट अच्छा बोल ले ऐसा। नहीं, आप बोले, आप बोले, मैं आपको ज्यादा बताऊंगा, आप बताएं। देखें एक जब भी ऐसा कोई मसला होगा ना, एक मरतबा रीसेट कर दिया करें, कंट्रोल सी दबा दें और फिर दोबारा सेट कर, होता है ये कभी कभी ना अटक जाता है। दो दफा वो यहीं पे फंस रहा है 3.12 पे। और आप कह रहे हैं कि पहले ये हो गया था और अब ये नहीं हो रहा। किया मैंने कर दिया था, आपके इंटरनेट की स्पीड क्या रखी हुई है अभी।
हो सकता है कि इंटरनेट की स्पीड का मसला हो। नहीं अभी जब तक ये बिल्ड बनी ही नहीं तब तक के जो है ना आगे आपके पास रिजल्ट आएगा ही नहीं, अभी तो सिर्फ बिल्ड बन रही है। और मैं एडवाइज़ ये भी करूँगा कि अपने पास दूसरे कंटेनर्स देख लें, दूसरे इमेजेस देख लें जो कि पहले से आपको उनको डाउन करके उनको मेक श्योर कर लें कि वो सारे डाउन है। ठीक है, इमेजेस वॉल्यूम्स इमेजेस वॉल्यूम्स और कंटेनर्स इनको क्लीन कर लें और फिर दोबारा ट्राई करें। या अगर आपकी इस इंटरनेट की स्पीड पे बगाया, अगर आपकी एप्लीकेशन सही फास्ट चल रही है तो फिर तो मुझे इशू नहीं पता, लेकिन ये अगर आपकी एप्लीकेशन कहीं भी थोड़ी लैग हो रही है तो ये इंटरनेट का इशू, क्योंकि डॉकर में ना अगर आपका नेट स्लो होता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है स्टिल कभी हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कभार। है। आपको स्क्रीन शो रही है, इमेजेस का अंदर शो रहे हैं, तो यहाँ से डिलीट कर देना चाहिए। हाँ डिलीट कर दें। बिल्कुल कर दें, डिलीट कर दें अगर दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, और मैं एक और ये भी एडवाइस करूँगा। अच्छा एक मिनट, अपनी कंपोज की फाइल भी दिखा। नासिम भाई इनके बाद आप शेयर कर लेगा स्क्रीन, काफ़ी देर से कह रहे हैं कि जिसको भी शेयर करनी है वो आए बस शेयर करे और बता दे कि ये मसला। कंपोज की फाइल तो ठीक लग रही है, बिल्कुल ठीक लग रही है। ये यूजुअली होता है ऐसा कि ना कभी कभी कोई एक चीज़ होती है जो कि आगे फंस भी जाती है इंटरनेट की स्पीड ओके होने के बावजूद, तो उसका तरीका ये होता है कि जितना ज़्यादा रीसेट कर सकते हैं उसको रीसेट करें और फिर दोबारा ट्राई करें। जैसे डॉकर डेस्कटॉप को क्लियर करें, डॉकर के जितने कंटेनर्स अप हैं उन सबको डाउन करें, रीसेट करें और फिर दोबारा से करें, टर्मिनल सर इसमें ये दोबारा करें। कंटेनर्स हैं, इमेजेस हैं और ये वॉल्यूम्स हैं, तो अभी जी जी इमेजेस को बिल्कुल, क्लियर इमेजेस को भी क्लियर कर कंटेनर दें, लेकिन इससे पहले कि इसको क्लियर करें आप वहाँ पे कंट्रोल सी दो मरतबा हिट कर दें ताकि जो प्रोसेस है वो रुक जाए टर्मिनल। डॉकर डेस्कटॉप क्लोज करके दोबारा ओपन भी कर लीजिएगा, और ये देखें ये जो जो फंस रहा है ना ये आप डिलीट करते हैं, डिलीट फॉर एवर करते हैं लेकिन डिलीट नहीं हो रहा, मतलब डॉकर का जो डॉकर डेस्कटॉप है ना उसको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है, आप उसको रिस्टार्ट कर, यही फंसा हुआ। वॉल्यूम भी अच्छा बस स्क्रीन हो गई, वॉल्यूम भी कर दें। करने सिंपल ऊपर से नेम के साथ जो बॉक्स है ना उसके ऊपर चेक लगा दें, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। एक मरतबा रिस्टार्ट कर लें फिर उसके डॉकर डेस्कटॉप एक मरतबा रिस्टार्ट कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा जब तक के आप ये कर रहे हैं आई वुड आस्क के बिलाल आप ज़रा अनशेयर कर दें, नसीम आप शेयर करके स्क्रीन करके अपना प्रॉब्लम बताएं जल्दी से। और एक और बिलाल भाई, इसको रिस्टार्ट करने के बाद एक बार सिस्टम भी रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ताकि फिर उसके बाद डॉकर डेस्कटॉप चलाइएगा, क्योंकि कभी कभार जो सिस्टम है ना, मतलब कि डॉकर डेस्कटॉप चल करके सिस्टम भी थोड़ा हैंग हो जाता है, वो उस वजह से भी नहीं चलाता, तो इसी रिस्टार्ट करके चेक कर लीजिएगा। बताया नसीम भाई, आप शेयर कर रहे हैं, आप बोल रहे थे।
नसीम भाई, मोहम्मद नसीम परवेज। अशरफ भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी हाँ, इनके सामने आई थिंक बिलाल भाई की स्क्रीन वो चल रही है, तो मुझे लगा मेरा नेट स्लो हो गया। यहाँ से एयरपोर्ट क्लियर बिलाल अपना सिस्टम भी रिस्टार्ट कर लें एक बार दोबारा। आप डॉकर डेस्कटॉप रिस्टार्ट करें, उसके बाद जो है अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट करके ना दोबारा से सब कुछ ओपन करें, तो इंशाल्लाह चल जाएगा आपका रिपोर्ट। थैंक और नसीम भाई, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें ताकि काइंडली फिर आपका जो एरर्स भी देखें। नॉट एबल टू स्क्रीन द सीन, ओके अभी करें, अब तो हो गया। वर्कर कंपोज मैसेजेस और क्लियर आउट इट्स नॉट वर्किंग। थैंक यू सर, प्रॉब्लम। जी कौन सा अपडेट आउट की आप बात कर रही हैं? मैं तो आई थिंक दो रिक्वेस्ट दी हैं। हाँ शर भाई, मैंने काफका अब मैसेज, काफका के मैसेजिंग वाले स्टेप में दो ही राउट थे ना? हाँ अपडेट होगा ना, मैंने अच्छा क्या हाँ, अच्छा राहिला, आपने जो है ना नया बनाया है, अभी नए के ऊपर बात नहीं कर रहे, नए राउट से बात नहीं कर रहे, अभी हमसे पुरानी चीजों को कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सब लोग ऑन बोर्ड आ जाएं एक साथ ही। अच्छा आप प्लीज, ठीक मैं है बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि आप ना एक सर, दफा मैं मसला ये कि या आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप काफी देर से वाकई इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी हाँ हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, और ये कि वो वंस सही है, दिस स्टेप इज डन लोग मीटिंग क्लोज कर देंगे। हाँ वो सिर्फ एक एक चीज थोड़ी सी बता दें, वो जो है आप ना ये जो है डेप कंटेनर जो है वो विजुअल स्टूडियो पे कैसे खोलते हैं, बस ये बताएं। अच्छा चलिए, हाँ बाकी मैं कर विजुअल दूँ। स्टूडियो कोड खोले, हाँ VS कोड विजुअल के स्टूडियो ना कोड डेप, खोले। अभी ये आई थिंक लाला जी की नहीं हुई हुई है, नसीम भाई की स्क्रीन शेयर हुई हुई। अच्छा नहीं मेरी नहीं हुई भी, हाँ हाँ नहीं अरे वैसे नसीम जरूरत भाई नहीं है। मैं बता दें अपना मसला। आपको लाला भाई जी या तो अपनी मीटिंग में बता देंगे, या तो ये सही है इनके इसके बाद आप शेयर कर दीजिए, तो सही देख है, लें। थैंक यू। जी है नसीम भाई बोले। नसीम भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, नसीम परवेज साहब, आपकी माइक्रोफोन का मसला या नेटवर्क के इशू की वजह से आ नहीं रही आवाज। नहीं, मेरे ख्याल से माइक का ही मसला है, आपकी आवाज़ बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। टेक्स्ट पर ही लिख दें कि क्या मसला आ रहा है, क्योंकि हमारे सामने आपके सिर्फ एक फोल्डर बना हुआ है कि जिसमें एक फोल्डर खुला हुआ है। जी हाँ जी हाँ, अपना प्रॉब्लम कम से कम फोकस में ही लिया है। जी आप बता दें क्या हमसे? हाँ नसीम भाई, मुझे कुछ, मैं आपकी इस तरह से बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगा। नसीम भाई, अगर आप कोई टेक्स्ट लिख के जूम पे भेज दें ताकि फिर हमें पता चल जाए कि क्या एरर है, अगर इनके अलावा और किसी का कोई एरर है तो वो स्क्रीन शेयर कर दें, या तो आप टेक्स्ट लिख के बता दें हमें, या एरर शो कर दें कि क्या एरर आ रहा है। तो इसमें कोई एरर आ रहा है तो एरर बता दें क्या आ रहा है, अभी तो आपने सिर्फ स्टार्ट किया है, चल रहा है या नहीं चल रहा।
अच्छा नसीम भाई, देखिए हमने स्टेप्स बताए थे, एक मरतबा एक काम ही करता हूँ मैं, रिव्यू कर देता हूँ कि स्टेप्स क्या थे, फिर उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। स्टेप्स में सबसे पहला काम जो था वो हमने ये किया था कि हमने अपने स्टेप 02 काफ का मैसेजिंग का फोल्डर कॉपी किया था और उसको अपने पास पेस्ट किया था, और उसका नाम हमने अपने तौर पर कुछ भी सेट कर लिया था, क्योंकि कोई भी मार्ट बना ली थी। उस फोल्डर के अंदर गए थे, वहां पर एक कंपोज की फाइल थी, जहाँ कंपोज की फाइल थी वहां पर हमने टर्मिनल खोला। टर्मिनल खोलने के बाद हमने वहां पर डॉकर कंपोज कॉन्फ़िग लिख के चेक किया, फिर उसके बाद हमने डॉकर कंपोज अप माइनस डी की कमांड रन की है। अगर हमारे पिछले कोई भी कंटेनर्स चल रहे थे, कोई भी इमेजेस चल रहे थे, वो हमने सब डाउन किए हैं, और डाउन करने के बाद हमने डॉकर कंपोज अप माइनस डी, और इन केस के अगर हमें पहले से कोई इमेजेस बने हुए थे, माइनस माइनस बिल्ड भी लगा के हमने एंटर कर दिया। जब हमारे पास डॉकर कंपोज अप की कमांड से सारे कंटेनर्स हमारे अप हो गए, जो कि पांच कंटेनर्स हैं, पांच कंटेनर्स हैं, उसके बाद हम ब्राउजर पे गए थे। ब्राउजर पर हमने एक लोकल होस्ट पे गए थे, 127.0.0.1:8000 के ऊपर गए थे, स्लैश डॉक्स पे गए थे। वहां पर जाकर हमने देखा था कि पोस्ट की एक एपीआई बनी हुई थी, पोस्ट की एक एपीआई हमने रन की, और हमने ये रन इस वजह से की ताकि जो काफका की हमारी माइक्रो सर्विस ऑलरेडी चल रही है उसके पास एक मैसेज चला जाए, जो कि वो उसको अपने टॉपिक में स्टोर कर ले। अब ये सब करने के बाद जब हमने पोस्ट की कमांड चला दी और हमने एक अपना मैसेज भेज दिया, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि काफका ने आया वाकई टॉपिक में रखा या नहीं रखा। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक और टैब खोला और वहां पर हम गए 127.0.0.1:8080 पे हमने एंटर किया, जो कि हमारे ये जो माइक्रो सर्विस स्टाफ का यूआई की है उसके लिए हमने पोर्ट असाइन की भी है। अच्छा, इस पोर्ट पे, इस लिंक पे जाने के बाद आपको वहां पे काफका यूआई का पेज नजर आ जाएगा। वहां पर आप टॉपिक्स में गए, टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक टू डूज लिखा हुआ नजर आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वहाँ से आप मैसेजेस पे जाएंगे, और मैसेजेस पे जाने के बाद आपको अपना वो मैसेज जो आपने अपनी पिछली पिछले टैब यानी कि 127.0.0.1:8000 पे रखा चलाया था, वो आपके सामने विजिबल होना चाहिए। सो दैट वर दोज वर ऑल द स्टेजेस कि जिसके जरिए हम लोग यहाँ पहुँचे। ठीक है, अब बॉयज़ अब मीटिंग क्लोज करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 11:30 नाउ, 2.5 आवर्स हमने यहाँ पे दिए हैं। अगर किसी के आगे भी कोई मसले हैं तो वो ग्रुप पे बिला झिझक पूछ ले, अशर कांटेक्ट भाई, कर ले, अशर हो भाई, जाए। अशर भाई, वो अमीन भाई जी ने कहा जी था कि अगर आप डेफ कंटेनर चला दें या मैं, मतलब कि वो डेफ कंटेनर, इनको कहा था कि डेफ कंटेनर के अंदर चला के इनकी चेंजिंग करवा दें कि एक मरतबा करवा दो डेफ। यार, एक मरतबा आप करवा दो, फिर उसके बाद फौरन ना क्लोज करते हैं। अच्छा नसीम, प्लीज स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, या ऐसा शायद मेरे ख्याल से आप शेयर करेंगे इसकी तो ठीक उन्हीं के पास आ रहा है, वो अनशेयर करेंगे तो ही मैं शेयर करें, करूंगा। आप को होस्ट है, आप कर सकते हैं। ठीक है एहसन, दोबारा ट्राई करें। हाँ हो गया, हो गया, अच्छे ये देखेंगे, ये वो समझते काफका हैं वाला कंटेनर आ सलमान, गया मेरा। लेकिन हमारी हमारी पूरी कोशिश थी कि हम जो है ना इसको पहले कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है बस। वैसे अमीन भाई ने कहा था कि यार किसी किसी का आ रहा है कि आपकी चेंजिंग नहीं हो रही। वैसे डेफ कंटेनर के अंदर जब आप चेंजिंग करते हैं तो आपको वॉल्यूम माउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, पर बार दफा ये कि किसी का ये एरर आ रहा था कि जब वो डेफ कंटेनर के अंदर कोई भी चेंजिंग कर रहे थे तो उनकी वो बायर, मतलब कि डेफ कंटेनर से बायर वो चेंजिंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, तो इसके लिए हम वॉल्यूम माउंटेन करते हैं। तो यहाँ तक तो वॉल्यूम माउंटेन सबने लगा दी होगी, यानी कि आपको अपनी एपीआई सर्विस के अंदर एक वॉल्यूम बना के वॉल्यूम माउंटेन करनी होती है। आपकी जो एपीआई सर्विस का राउट होता है वो देना पड़ता है यहाँ पे डॉट स्लैश, जैसे मेरी टू डू सर्विस है तो यहाँ पे टू डू सर्विस का राउट दे दिया। उसके बाद कॉलन, जो आपके कंटेनर के अंदर जहाँ पे आपने कोड रखा हुआ है
जैसे मैंने कोड कोड की डायरेक्टरी में कोड रखा हुआ है तो मैंने वहाँ का पाथ दे दिया, तो अब मैं यहाँ पे जो भी चेंजिंग करूँगा वो मेरी ऑटोमेटिकली उसमें जाके कंटेनर के अंदर कोड में वो अपडेट कर देगी। और यहाँ पे मेरा ये डेफ कंटेनर है, कंटेनर अब भी नहीं हुआ हुआ। जैसे भी मेरा टाइम ना लगा दे, मैंने अभी मेरी यही सर्विस मैंने डाउन करके मैंने बंद कर दी थी। हाँ मेरी कौन सी चल रही है, मेरी बनती है, करवा तो दोबारा ही करना पड़ेगा। चले खैर, चलिए मैं खोल देता हूँ, अभी खोल रही शाम में डाउन किया हुआ था कि। या कोई मसला नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी ले जा सकते हैं। मेरे पास चल रही है तो आप मुझे बता दें, गाइड करते जाएं, मैं कर दूंगा। मेरे पास जो है ना डॉकर वगैरह सब चल रहा है, मैंने ये इसका एक्सटेंशन भी इंस्टॉल किया हुआ है लेफ्ट कंटेनर का, आई थिंक लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे शो नहीं हो रहा है। वो डेफ कंटेनर का एक्सटेंशन शो नहीं होता, ये रिमोट एक्सप्लोरर का एक्सटेंशन शो हो रहा होता है। तो इसी के अंदर ना तीन चार ऑप्शन होते हैं मल्टीपल, रिमोट एक्सप्लोरर के अंदर ना मल्टीपल चीजें चीजें होती है, जिस वजह से वो रिमोट उसमें डेफ कंटेनर भी होता है और क्यूबरनेटीज डॉकर अगर आपके एक्सटेंशन शो होते हैं तो उसकी चीजों के लिए रखा हुआ होता है, जिससे कि इसको कैसे अपग्रेड करें। तो सर मेरे पास खुल गया है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं तो आप यहीं से बता दें, मुझे गाइड करते जाइए कि मैं वो करता जाऊंगा। 2 सेकंड रुक जाएगा, मेरा डॉकर इंजन स्टार्ट हो जाए और अगर इसमें इमेज बनी हुई हो तो ठीक है, वरना फिर आप कर दीजिएगा। मैं भी मेरे पास होगी। ऐसा अभी आप डॉकर कंटेनर के अंदर हैं? नहीं, मैं कंटेनर से बाहर हूँ अभी, मैंने नहीं चला। मुझे भी कंटेनर के अंदर जाना नहीं आ रहा, वो वैसे तो आता है ठीक है टर्मिनल के थ्रू, लेकिन ना यूआई के थ्रू नहीं आ रहा। ये आपके डेफ कंटेनर का जो आइकॉन बना होता है ना, एक सर मेरे ख्याल से बात बहुत बस ज्यादा आप हो गया, लेट्स डू इट नेक्स्ट क्लास। है लेट्स बस डू है इट ये। फिर अगर आप बोलते तो नेक्स्ट क्लास में ना मिलते, कोई मसला नहीं, अमीन भाई को मेरा बता तो देंगे। ठीक है, ख्याल है, मैं तो बता देंगे। चलिए चले फिर, ठीक ठीक है भाई, है। और ये कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, कुछ 10 मिनट का काम है, ये हम कर सकते हैं स्टार्ट भी, राइट। जी सही। सही है, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। कोई मसला अगर आपके भी है तो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, ग्रुप में जो है वो सवालात करते रहे, तो इन शाला आपका जवाब आप देंगे। अल्लाह हाफिज़। या